Hey guys, what's up? Let's wait for more viewers. Hi everyone, welcome to Code Beyond. Anybody up here? I can't see any comments in the chat section. Can you comment anything like hi? So that I know that you are there. Hey, I'm waiting, man. Where are you? The all discussion students. Sab aa jao bhai. Fatafat start karenge discussion. So we'll discuss AdCoder 221 today. AdCoder beginner contest 221. Okay. As usual, there were 8 problems in total, and as usual, I started it late, and due to some time constraints, I only did 4. So, except A, the first problem, because I thought it is easy, and it is supposed to be easy, so I'll discuss with you if there is some problem in it. We'll live solve it. It's simple. It's not that hard. So A, B, C, D, E are the goal for today. Problem goals. Start kare. Shall we start? Anyone? बोलो भाई बोलो. सो फॉर दोज हु आर न्यू, सो एक्चुअली आई एम नॉट न्यू. आई वॉज टीचिंग ऑन इजी कोड चैनल एंड नाउ वी हैव डिसाइडेड दैट ऑल द एजुकेटर्स फ्रॉम इजी कोड विल टीच ऑन दिस कोड बियॉन्ड ओनली. So that's why we are starting from here. But if you are my previous viewers, old viewers hamare, so you can see the previous videos, lectures of discussions and all DSA on that channel, Easy Code. All the stuff is there, nothing is deleted, just we have moved to this channel and now we'll continue teaching on this. Okay, no worries. Sagar is saying yes. Chalo, एक कमेंट तो आया क्या इधर. आलसी है क्या हमारे व्यूअर्स? आई यूज टू गेट 3-4 कमेंट्स इन द फर्स्ट 2-3 मिनट्स ऑन इजी कोड. व्हाट इज हेयर? आई कांट सी मोर देन वन. ओनली सागर हैज कमेंटेड. यस प्लीज कमेंट, देन लेट्स स्टार्ट. So no, Sagar has answered no. For which question he has answered? You have answered no. Kanav is our previous viewer. C problem nahi hui, koi baat nahi, C discuss karenge, no problem. C is like a very C. Yep. हाँ ठीक है. Let me see. हाँ, yeah. C is a basic problem. Yes.
दैट ये आई हैव सेड इट मेनी टाइम्स, उसका लॉजिक नहीं बना आपने आपने यू हैव कमेंटेड दिस. आई हैव मेंशनड इट सो मेनी टाइम्स कि मेरा कोड में मैं चार पांच कमेंट करके रखता हूँ. आई विल शो यू इन द वाइल डिस्कसिंग कि अगर कुछ भी नहीं है तो ब्रूट फोर्स ही ऑप्टिमल है. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो इसका आंसर ब्रूट फोर्स ही था इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ द लॉजिक. लेट्स सी हाउ टू इम्प्लीमेंट ब्रूट फोर्स देन ओनली. सो लेट्स स्टार्ट. सागर इज सेइंग वी आर नॉट लेजी. येप, आई वॉज जस्ट किडिंग मैन. दिल पे मत लेना भाई, यू आर नॉट लेजी आई बिलीव. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल एंड हु आर न्यू टू मी, लेट मी स्टार्ट विद माई इंट्रोडक्शन. सो माई नेम इज़ मिहिर एंड आई एम अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर एंड आई ऑल्सो वर्क एट एक्सपीडिया एंड आई एम पास आउट फ्रॉम NSIT. आई एम रेटेड 5-star मैक्स ऑन कोड शेफ एंड एक्सपर्ट ऑन कोड फोर्सेस. सो दीज आर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स इफ यू डू नॉट नो. एंड द सब्जेक्ट्स आई टेक हेयर ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म आर अराउंड दीज, विच आर C++ लैंग्वेज, DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, CP, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन. सो एवरीथिंग अराउंड DSA. ओके, सो इट इज़ ओवरऑल इन समराइज इन समरी एवरीथिंग अराउंड DSA इज मेंशनड हेयर. सो इफ यू आर टेकिंग एनी सब्सक्रिप्शन ऑन एन अकेडमी, सो यू कैन यूज़ दिस कोड MIHIR10 एंड गेट एडिशनल 10% ऑफ. सो ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो बिफोर मूविंग टू द डिस्कशन विल टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच कैन हेल्प यू इन गेटिंग जॉब और इन सिमिलर लाइन. सो लेट्स डिस्कस दैट एंड देन विल डिस्कस आर एनकोडर. फर्स्ट व्हाट से 5 problems. ओके, सो फर्स्ट 5 वर क्वाइट गुड दिस टाइम्स. दिस टाइम एनकोडर हैड सम नाइस प्रॉब्लम्स, सो वील डिस्कस देम. डी वॉज अ लाइक हार्ड कोर प्रॉब्लम विच कम्स एवरी वाइल, लाइक इन एवरी 5 to 6 कॉन्टेस्ट इट इज देयर. द कॉन्सेप्ट इज देयर, आई डिस्कस इट इन डिटेल. एंड सी इज वॉज गुड, सो आई टॉक मोर अबाउट इट देन ओनली. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट्स मूव टू द PPT. येप, एंड हेयर इट इज. सो दिस इज री लेवल बाय अन अकेडमी. ओके, वील टॉक अबाउट इट बिट एंड देन वील मूव. ओके, एनी कमेंट्स? एनी न्यू कमेंट्स? नोप. ओके, लेट्स स्टार्ट देन. सो री लेवल एज यू कैन सी बाय एन अकेडमी, दिस इज अ प्लेटफॉर्म यू कैन से. सो वॉट इज दिस? हु कैन टेक द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड एवरीथिंग आई विल टॉक अबाउट इट. सो देर आर मेनी प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय यू स्टूडेंट्स और लेट्स से जॉब सीकर्स हु वॉन्ट सम जॉब इन हाई प्रोफाइल हाई टेक कंपनीज, बिग टेक कंपनीज और स्टार्टअप्स. सो यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, राइट? सो मेनी अ टाइम कैंडिडेट मिस आउट ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज बिकॉज दे डिडंट हैव अ बेटर डिग्री और हैड अ पुअर नेटवर्क. ओके, बिकॉज यू नो इफ यू नो सम पीपल दे कैन रेफर यू, इफ यू डोंट देन इट्स अ बैड लक. सो इट सो इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन टॉप स्टार्टअप्स, ओके, बट योर रिज्यूमे गेट्स रिजेक्टेड आफ्टर अप्लाइंग. सो बिकॉज देर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर्स हु आर ऑल्सो अप्लाइंग फ्रॉम बिग कॉलेजेस एंड डूइंग सम ग्रेट थिंग्स. सो यू वॉन्ट टू चेंज योर करियर एंड मूव टू अ हाई ग्रोथ कंपनी बट आर नॉट एबल टू गेट एन इंटरव्यू कॉल इवन दो यू हैव अप्लाइड टू 50+ कंपनीज ऑलरेडी. सो दीज आर द थिंग्स यू आर माइट बी फेसिंग इफ यू आर अ जॉब सीकर और अ स्टूडेंट. सो नाउ वॉट इज दिस? हाउ कैन री लेवल हेल्प यू?
So now you can get a job on the basis of your skill and talent. Okay. So not college name, on the basis of skill and talent. You need not depend upon any degree or other people in your network to refer you or anything like that. So candidate, let's move forward and talk about this platform. What is it? How can it help you? So okay, so this is what ReLevel is. Yep. So this is ReLevel, India's first hiring tech platform, okay, by an academy, which is helping job seekers find their dream jobs. So if you are someone who has not heard about ReLevel, here are a few benefits. Let's talk about the benefits. Okay. Yes, so these are the benefits of ReLevel, as you can see. So, over 50 plus companies, including top startups and unicorn like Ernst & Young, Cred, Upgrade, you have heard, I think these names, they are quite popular now, Razorpay, Urban Company, and many more are hiring through ReLevel. Okay, and 1,000 plus job position across business development, front end, back end, everything, and it's completely online and can be taken from the comfort of your home. No outside bhaga dodi. Okay, and the best part is that you can take this test for free, finish your test in a single day of your choice, and get your ReLevel score within a week. So once you clear the test with the qualifying score, you will be able to create an amazing candidate profile which will help you showcase your skills and stand out from the crowd. And something that stand out is always noticed by companies. Okay, as you all know, people are contacted on LinkedIn for jobs and all. So if you have a something different profile, you will be contacted. So this platform gives you that. So to get the ReLevel profile, the candidate has to score more than 700 in the test, which will be the qualifying criteria. So there should be something that you have for that job. So that ReLevel companies will think to hire you. Are you getting my point? So you have to be skillful, okay? Not big name of colleges, but you have to be skillful, which the only requirement is. So the candidates can retake the test after 30 days also if they didn't meet the qualifying criteria. And also the candidates will be rewarded with exciting goodies like MacBook, iPhone, many more such goodies with highest ranks holders. Okay, and every month ReLevel test is conducted every month, so you get this opportunity frequently. So while ReLevel with the ReLevel, you are in a unique position to invite interest from companies instead of hunting for opportunities on your own. So it helps you. Basically, it is a helpful platform. Using that, you can grab a job, good job, if you are that skillful. So once you have a great score, you can sit back and relax. The companies will reach out to you, no worries at all. Just the simple thing is you have to be skillful and you have to qualify in the test, ReLevel test, and that's all. So registering to ReLevel is very easy. Let's see what it takes to register on ReLevel. So this is registering. Okay. So registering on ReLevel is very easy. Sign up on ReLevel.com and select the test of your choice. Front-end development, back-end, business development, anything. Then book a slot when you want to give the ReLevel test. Slots are limited, so I suggest you book it fast. Create a neat video resume and click submit and confirm your slot for the test. No worries. Okay. So this is the thing. Select the test of your choice, business, front-end, back-end, and then book a slot when you want to give the ReLevel test. Slots are limited, okay. Then create a neat video resume and click submit and confirm your slots. Okay. So this is it about ReLevel. So register for the ReLevel test today. You will find the link for ReLevel in the description. Check the description of this video for more details. And few additional information I'd like to give is that the tests are ideal for candidates who are 18 plus or have less than 3 years of work experience.
So you should meet this criteria. You should also be able to join within 30 days from receiving the job offer. And these jobs are not limited to BTech or MBA degrees candidates. Anyone can apply as long as they are 18 plus and have at most 3 years of experience, not greater than three. Okay. So these are some additional information I'd like to give, and register for ReLevel today. If you are not from a big college or want to get a job from your skill profile. Cool. So moving forward, you can also join this Telegram channel. Link is easycode_unacademy, and you can also join the Telegram channel of Code Beyond. Every link is given in the description. You can check there. Moving to our main discussion today, let's see some chat. क्या चल रहा है चैट में? मैं तो ई में अटक गया. नाइस डीबगर, ई को डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम. आए यो, व्हाट डज दिस मीन सरांश? आए यो, दैट्स कूल. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद आर एट कोडर बिगिनर कॉन्टेस्ट. लेट मी show you the Chrome, how yes, here it is. Let me show you this. So as you can see, these are the tasks for today at Coder Beginner Contest. We'll discuss this. Okay, we'll discuss these five, and I have also not read this problem A, seismic magnitude scales, but yes, we believe we know that A is like very basic problem, so we'll solve it live if it is necessary. Otherwise we'll skip it. If time allows, then we'll solve it. And these are the main problems we'll discuss today. This was also an easy one, but these three are like the main learning ones for you, so you should definitely give it a try if you didn't. And let's start with, so let me check what's your opinion on in chat about from which problem we should start. Give me in the chat ABCD. Bolo bhai, bolo ABCD, kuch to bolo. ABC ho gaya Akriti Sharma. Start with D. Nice. We can start with D. No worries at all. Ready for today, I meant. Oh, okay, Saransh. New channel. Yes, yes. No worries. Only the platform is changed. Nothing else. Main bhi wahi hu. Headcoder bhi wahi hai aur aap bhi wahi ho. No worries. ABC ho gaya. Akriti ka start with D. Okay. Debugger E. Abhijit C. आकृति डी, सारांश बी, डीबगर ई, ई डी सी एंड बी, बी सी डी चल रहा है. लेट्स वेट फॉर 10 seconds मोर इफ देर आर मोर पीपल हु वांट्स टू गिव देयर ओपिनियन ऑन दिस. आप बताओ ना, आप सबका कितना कितना हुआ? आकृति ए बी सी हो गया. एनीवन एल्स? किसी का और हुआ क्या ए बी सी के अलावा? डी हुआ क्या किसी का? बताया करो यार. व्हेन यू ज्वाइन यू शुड स्टार्ट इन द चैट विद हाय, आई हैव डन ए बी सी और ए बी डी, एनीथिंग दैट यू हैव डन इन द कॉन्टेस्ट. सो लेट मी प्लग इन द चार्जर. कूल सी भैया, सी मेरा सिंपल, दो टेस्ट पास कर दिया, थर्ड गलत आया आ रहा है. अच्छा, सी में गलत है. ओके, सी ई डी, तो सी डी आ रहा है. डन विद ए बी सी, तो मेनी मेनी ऑफ यू आर डन विद ए बी सी आई गेस. सो डी 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 करते हैं पहले. फर्स्ट वील डू डी एंड देन वील मूव टू सी एंड देन ई. ओके कूल, क्योंकि डी में थोड़ा
ठीक है कॉन्सेप्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड देन थोड़ा सा इजी कर लेंगे एंड देन वील मूव टू ई द बेस्ट प्रॉब्लम। इसे आपको डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा, एक बहुत बढ़िया डेटा स्ट्रक्चर है, एंड देन वील मूव टू बी एंड इफ रिक्वायर्ड वील ऑल्सो डिस्कस ए। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम डी। चलो लेट्स स्टार्ट विद डी। तो वेर इज डी? हेयर इज डी मैन, दिस इज डी। ठीक है, इज द स्क्रीन विजिबल? कुछ दिख ना रहा हो तो बोल देना। ठीक है, वील एडजस्ट इट थ्रू आउट। ओके, सो ऑनलाइन गेम्स, प्रॉब्लम डी इज ऑनलाइन गेम्स। What does the problem say? C से start कर दो, D नहीं पढ़ा है भाई। तो यार ये तो conflict आता रहेगा ना। आप चलो C से ही start करता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने D पढ़ा ही नहीं होगा, and कोई ऐसा तो नहीं होगा जिसने C नहीं पढ़ा होगा। तो let's start with C, then D, then E. Okay, cool. बुरा मत मानना बाकी लोग, आराम से देखते हैं, no worries. तो प्रॉब्लम सी करते हैं पहले। सेलेक्ट मल। तो यू आर गिवन एन इंटीजर एन, कंसिडर परम्यूटिंग द डिजिट्स इन एन एंड सेपरेट देम इनटू टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर द इंटीजर 1, 2, 3 देर आर 6 वेज टू सेपरेट इट। तो व्हाट यू हैव टू डू, एक इंटीजर गिवन है, एक बाउंड्री बनाओ और दो पार्ट में डिवाइड कर दो उस इंटीजर को। जैसे 1, 2, 3 है, तो आपको आपने बाउंड्री बनाया 2 के बाद, 2 और 3 के बीच में एक बाउंड्री बनाया और 1, 2 अलग कर दिया, 3 अलग कर दिया। देन यू सेपरेटेड 2, 1, 3, सो यू कैन परम्यूट दिस एंड डिजिट्स, दिस इज गिवन। सो आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल। सो अपने को करना क्या है, हेयर द टू इंटीजर्स आफ्टर सेपरेशन मस्ट नॉट कंटेन लीडिंग जीरोज, दिस इज द बेसिक कंडीशन। सो इफ द इंटीजर इज 101, यू कैन सेपरेट इट लाइक 1 एंड 0 1, बिकॉज दिस कंटेन्स लीडिंग जीरो विच इज not required. And additionally, since the resulting integers must be positive, it is not allowed to separate 101 into 11 and 0. So if the integer was 101, you can't separate it like 1 and 01 because it contains leading zeros, which is not allowed. And you are also not allowed to separate this number as 11 and 0 because 101 can be written as 110, it is a permutation. Consider permute the digits in n. Okay, are you getting? मेरे को n digits को permute कर सकता हूँ मैं. I can permute it. I can use any permutation of these n digits and then separate it, that in two parts, and then I'll work whatever required. So it is not allowed to separate 101 into 11 and 0 because it is given that positive integers में break होना चाहिए दो numbers. यहाँ पर जीरो हो गया, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द टू रिजल्टिंग इंटीजर्स ऑब्टेन्ड बाय द ऑप्टिमल सेपरेशन। सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम फॉर बिगिनर्स, वेरी गुड लर्निंग। सो लेट्स सी इट इन आवर स्केचबुक। ओके, the let's see, D से ही start कर दो। अरे यार थोड़ा wait कर लो ना, फिर D करते हैं, no worries, आराम से करेंगे ना, दिक्कत क्या है, because कुछ लोगों ने D नहीं पढ़ा होगा ना, तो उनके लिए problem हो जाएगा। आपने तो पढ़ा है तो आप देख सकते हो, आपको पता है क्या करना है। तो ये तो मेरा पुराने वाला है, मतलब ये आई गेस ई का है, लेट्स सी। तो मैं इसी पे सॉल्व करता हूँ, पेपर बचाते हैं, सेव ट्रीज, है ना, जहाँ पर बचा सकते होता तो कर ही सकते हैं ना, फालतू में पेपर लिखेंगे फेंक देंगे, इसलिए यू कैन यूज़। अब तो ज़माना भी ऑनलाइन हो गया है, तो आप तो फिर भी बहुत आगे हो। ठीक है, तो हाँ, तो हम 1, 2, 3 को डिसाइड कर रहे थे। तो
वन टू थ्री मान लो अपना नंबर है एन, वी हैव 1 2 3 एज आर नंबर एंड इसको हम एनी वे में परम्यूट कर सकते हैं, तो इसके ऑल परम्यूटेशन कितने सारे होंगे भाई? तो मैंने कहा यार इसके ऑल परम्यूटेशन कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल है ना, 3 फैक्टोरियल होंगे, क्योंकि अगर मैं लिखूँ तो 1 2 3, 1 3 2, देन 2 1 3, 2 3 1 और 3 1 2, 3 2 1, ठीक है, 6, टोटल 6 परम्यूटेशन पॉसिबल होंगे ना इसके, क्लियर है ना, 1 2 3 4 5 6, 3 फैक्टोरियल टोटल होंगे अगर मैं एन को 1 2 3 ले रहा हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग एन एज 1 2 3, देन दीज आर ऑल द परम्यूटेशन। एंड फिर हमें क्या करना है, वी हैव टू सेपरेट दिस नंबर इंटू टू। तो इफ़ आई टॉक अबाउट 1 2 3, इसके बारे में बात करते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। तो 1 2 3 कैन बी सेपरेटेड इन मैनी वेज। तो वन इज सेपरेट 1 एंड 2 3, दीज आर द टू नंबर सेटिस्फाइंग आर कंडीशंस। आर कंडीशंस वॉज, आर कंडीशन इज की वी हैव टू सेपरेट इट इंटू पॉजिटिव इंटीजर्स, सो दीज आर पॉजिटिव एंड देर शुड बी नो लीडिंग जीरोज, कूल, नो प्रॉब्लम, नो लीडिंग जीरोज एंड बोथ आर पॉजिटिव। देन वन अदर वे कुड बी 1 2 एंड 3, कूल, सो दीज आर द टू पॉसिबल वेज। देन वी कम टू 1 3 2, हाउ कैन वी सेपरेट, हाउ कैन वी सेपरेट 1 3 2, सो 1 एंड 3 2 और 1 3 एंड 2, ओके, सो दिस वे वी आर सेपरेटिंग दिस नंबर इंटू टू इंटीजर्स सेटिस्फाइंग आर कंडीशंस। सो वी हैव टू डू दिस फॉर एवरी परम्यूटेशन। एंड फाइनली अपने को क्या चाहिए, वी वॉन्ट कि ए एंड बी दो इंटीजर ऐसा मिले सच दैट ए इंटू बी जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो मैक्सिमम पॉसिबल हो, वो मैक्सिमम पॉसिबल हो, ओके। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन इन द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट इज दिस कि वी वॉन्ट आर नंबर एन टू बी सेपरेटेड इंटू टू इंटीजर्स लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक इफ वी आर सेपरेटिंग 1 2 3, देन 1 एंड 2 3 इज वन ऑफ द ऑप्शंस, देन अदर इज 1 2 एंड 3, सो दीज आर द टू इंटीजर्स। सो अपने को ऐसे सेपरेट करना है कि ए इंटू बी मैक्सिमम पॉसिबल हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द रिक्वायरमेंट। अब इसको करेंगे कैसे, तो सोचो, थिंक। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आई विल आंसर यू इन अ वाइल। लेट्स फोकस ऑन दिस प्रॉब्लम, समझ रहे हो? प्रॉब्लम में कोई डाउट हो तो बोलते जाना, नो वरीज एट ऑल, ठीक है। तो ए एंड बी दो ऐसा इंटीजर अपने को एन जो हमें गिवन है उसको सेपरेट करके प्रोड्यूस करना है सच दैट ए इंटू बी इज मैक्सिमम पॉसिबल। अब वट विल बी माई फर्स्ट थाट, वट वॉज माई फर्स्ट थाट वाइल आई वॉज डूइंग दिस प्रॉब्लम, कि यार पर्सनली मेरा एक दिमाग में आया पर्सनली मेरे दिमाग में क्या है कि मैंने कहा यार इफ 1 2 3 4 6 8 9 7 ऐसा कुछ एन गिवन है अपने को, इफ़ वी आर गिवन एन लाइक दिस, तो मैं अगर इसको दो इंटीजर में सेपरेट करूँगा तो अगर उस दो इंटीजर में नंबर ऑफ डिजिट्स अगर इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स के आसपास होगा, या तो ये मतलब 1 2 3 4 हो जाए, ये 6 8 9 7 हो जाए, और इसको मैक्सिमम कर देंगे, मतलब इसको 9 8 7 6 कर देंगे एंड दिस को 4 3 2 1 कर देंगे, तो द आंसर विल बी मैक्सिमम। मतलब ऐसा आई थॉट कि ये दोनों में ना नंबर ऑफ डिजिट्स अगर इक्वल होगा, मतलब दोनों आसपास के नंबर्स होंगे ना, तो आई विल गेट द मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस, ठीक है, ठीक है। बट मैंने इसको सोचा, थोड़ा और सोचा, और मैंने इसको कोड भी करा, तो आई सॉ सम प्रॉब्लम कि भाई कुछ कुछ गड़बड़ आ रही है, बिकॉज श्योरिटी नहीं आ रही ना, ये इंट्यूशन आई, दिस इंट्यूशन केम, बट आई हैव नो प्रूफ, कि मेरे पास प्रूफ नहीं है ना इसका। तो इफ
अगर आप इसको ध्यान से देखोगे प्रॉब्लम को कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड व्हाट आर द गिवन थिंग्स इन द प्रॉब्लम, तो यू विल सी दैट व्हाट यू विल सी यू विल सी कि भाई जो हमारा एन इंटीजर आ रहा है, ठीक है, जो अपना एन इंटीजर आ रहा है वो 10 की पावर 9 तक है, ठीक है, तो वो इंटीजर जो है 10 की पावर 9 तक होगा, ठीक है। और अगर मैं उस इंटीजर का मेरे को क्या चाहिए, एवरी परम्यूटेशन का ऑल पॉसिबल सेपरेशन चाहिए। तो एक चीज़ अगर मैं आपको कोड में दिखाऊं अपने, तो लेट मी शो यू माय कोड, ध्यान से देखना, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि यू आर थिंकिंग कि क्या होगा अप्रोच, क्या ग्रीडी स्ट्रेटेजी लगाऊं, क्या डीपी लगाऊं या डिजिट डीपी लगाऊं, यू आर थिंकिंग टू मच। बट द प्रॉब्लम इज आस्किंग जस्ट अ सिंपल थिंग दैट यू हैव टू सी, समझ रहे हो, आपको बस वो देखना है कि भाई वो पूछ क्या रहा है। तो उसने मेरे से पूछा कि मेरे को एन देंगे एंड एन का ऑल परम्यूटेशंस का मेरे को ऑल पॉसिबल सेपरेशंस में से कोई ऐसा सेपरेशन बताना है जिससे कि मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम हो जाए। तो मैंने क्या कहा, मैंने कंस्ट्रेंट देखा, मैंने कहा यार एन का कंस्ट्रेंट 10 की पावर 9 है, यानी कि एन में डिजिट्स कितनी है, कितने डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स हैं एक तरीके से, क्योंकि लास्ट नंबर 10 की पावर 9 होगा, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज उसको हम दो नंबर्स में सेपरेट कर भी नहीं पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो होने वाली है अपने नंबर्स में वो 9 होगी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 9 होने वाली है। तो मेरे को इसमें ऑल परम्यूटेशन निकालने का कॉस्ट कितना लगने वाला है, 1, 2, 3 था तो मेरे को ऑल परम्यूटेशन 3 फैक्टोरियल से निकला, ठीक है। ऐसे ही अगर 9 डिजिट्स होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 9 डिजिट्स होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 9 डिजिट्स होगा, तो टोटल परम्यूटेशन कितना आएगा, 9 फैक्टोरियल, ठीक है, जस्ट एनालाइजिंग। क्योंकि जो लास्ट नंबर है ना 10 डिजिट वाला, 10 की पावर 9, उसको हम दो में सेपरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे देख लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसको हम दो नंबर्स में सेपरेट इसलिए नहीं कर पाएंगे बिकॉज कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा जो था नॉन जीरो वाला। नॉन जीरो मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जो भी दो इंटीजर सेपरेटेड होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो 1 को मैं 1 में रखूंगा मान लो, या 1 के साथ जीरोज रख लूंगा, लेकिन दूसरे वाला जो इंटीजर होगा वो जीरो हो जाएगा ना। पर अपने को क्या चाहिए था, नॉन जीरो चाहिए था, तो यहाँ पर कंडीशन ब्रेक हो जाएगा। तो हमारा जो एन होगा हमेशा 10 की पावर 9 से लेस ही होगा, कंस्ट्रेंट में गिवन है प्रॉब्लम में, देख भी सकते हो आप। तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आएगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 9 आएगा, तो टोटल परम्यूटेशन कितना हो जाएगा, वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, लेट्स सी द वर्स्ट केस देन वी विल टॉक अबाउट इट। तो टोटल परम्यूटेशंस 9 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, टोटल परम्यूटेशंस 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल परम्यूटेशन है ना, एंड ईच परम्यूटेशन को अगर मैं सेपरेशन करके देखूंगा तो मेरे को कितना टाइम लगेगा बोलो। तो मान लेते हैं 1, 2, 3 ले लेते हैं, सपोज 1, 2, 3 नंबर है, करंट नंबर 1, 2, 3 है, इसमें सेपरेट करके देखना है। तो 1 सेपरेशन ये वाला हो गया, ठीक है, 1 सेपरेशन ये हो गया, देन कम्स ये वाला सेपरेशन। तो कितना, 1 एंड 2, टोटल नंबर ऑफ सेपरेशंस कितना हुआ, 2 सेपरेशंस, ठीक है, 2 सेपरेशंस इन 3 डिजिट नंबर। तो 9 डिजिट नंबर जो कि मैक्सिमम पॉसिबल आने वाला है, 9 डिजिट्स में हाउ मेनी पॉसिबल सेपरेशंस, 8 सेपरेशंस आर पॉसिबल, ठीक है। एंड 9 डिजिट नंबर में टोटल परम्यूटेशंस कितनी वैलिड होंगी, मतलब वैलिड छोड़ो, लेट्स टॉक अबाउट टोटल परम्यूटेशन, 9 फैक्टोरियल परम्यूटेशन होगा, और हर परम्यूटेशन के लिए 8 सेपरेशंस करके मेरे को चेक करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो 8 सेपरेशंस मेरे को हर 9 फैक्टोरियल परम्यूटेशन का चेक करना पड़ेगा, एंड देन मेरे को उसका मल्टीप्लाई करके जो भी मान लो ए और बी आया, देन मेरे को आंसर में
मैक्सिमम स्टोर करना होगा आंसर कॉमा ए इंटू बी का, है ना। तो यहाँ पर मेरे को क्या दिखा कि मेरे को जो वर्स्ट केस का टाइम लग रहा है वो ये लग रहा है कि भाई 9 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस हैं इंटू उसके हर 8 सेपरेशन को मेरे को चेक करना है। तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँगा तो आई कैन सी दैट दिस नंबर इज अंडर लिमिट, अंडर आर टाइम लिमिट, ठीक है। क्योंकि अपने को पता है कि 10 की पावर 8 ऑपरेशन अप्रॉक्सीमेटली एक सेकेंड लेता है। तो ये वाला अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू कैन सी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई यू कैन ब्रूट फोर्स दिस सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपको और बताता हूँ मेरे कोड में क्या है, मेरे कोड में क्या नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल तो आपको समझ में आएगा। और मैंने ऐसा बहुत बार एक्सपीरियंस करा है, अगर आपसे ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है ना तो आज आप एक सीख लोगे जो मैंने ली थी बहुत पहले, एंड दिखाता हूँ मैं। लेट मी फाइंड माई कोड देन वील डिस्कस। तो प्रॉब्लम सी एन आई, हाँ, कॉपी एंड वेर इज दिस, यस पेस्ट, ठीक है। तो लेट्स मूव टू कोड एडिटर। सो सी दिस कमेंट्स। सो दोज हु आर न्यू, दोज हु आर वॉचिंग मी द फर्स्ट टाइम, उनके लिए भी है ये, बिकॉज जो पुराने उनको तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। दीज आर द लाइन्स आई टाइप इन माई कोड, आई यूज़ इट इन माई कोड, बिकॉज ये मेरे को याद दिलाता है कि मैं कुछ अगर गलत डायरेक्शन में सोच रहा हूँ तो यहाँ से मेरे को हिंट मिलेगा। आई विल गेट द हिंट फ्रॉम दिस, बिकॉज जो छोटी छोटी गलतियाँ होती है उसको मैंने लिख लिया कि मेरे लिए क्या गलती है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो वॉट आई रोट इज कि डी पी से सोच, सो आई मोस्ट ऑफ द टाइम्स डी पी वाला प्रॉब्लम में मैं कुछ और ही सोच रहा होता हूँ, दैट्स वाई। तो इससे मेरा प्रैक्टिस हो गया, बहुत पहले का मेरे स्टेटमेंट है, अब मेरे को आदत पड़ गया ये सोचने का। एंड ये सब सोचना है अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इफ़ नन ऑफ दी अबव, अगर कुछ भी नहीं है दिख रहा है करंट प्रॉब्लम में, तो ब्रूट फोर्स ही ऑप्टिमल है। तो इस करंट प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम सी था, इट हैज़ दिस वन स्टेटमेंट कि ब्रूट फोर्स ही ऑप्टिमल है, बिकॉज कुछ लग नहीं रहा था इसमें। इफ़ यू थिंक अबाउट इट कि सॉल्यूशन क्या होगा, तो हाउ विल यू सेपरेट एंड हाउ विल यू गेट द मैक्सिमम प्रोडक्ट, कुछ आ ही नहीं रहा है ना, ना ग्रीडी लग रहा है ना कुछ। आप बनाओ ना, मैंने सॉल्यूशन बनाया, मेरा रॉन्ग आंसर आया, देन आई थॉट इट ट्वाइस, समझ रहे हो। बहुत दोबारा बार सोचा जब जाके ये वाला स्टेटमेंट मेरा काम आया कि भाई ब्रूट फोर्स ही ऑप्टिमल है। एंड ये वाला एक और स्टेटमेंट रखता हूँ मैं कि जहाँ नंबर ऑफ वेज निकालने में कन्फ्यूजन हो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर देयर टू फॉर्म दिस दैट दिस, तो वहाँ पर डी पी लग सकता है, तो एक बार आपको सोचना चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट काम आया। लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन, बहुत हो गया ज्ञान की बात, ओके। सो ठीक है आकृति, व्हाट आर यू सेइंग कि फिर कांस्टेंट ही रहता है इन योर लाफिंग, ओके। अच्छा मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे, मेरे को भी इंक्लूड करा करो भाई। तो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, ओके। तो मैंने इनपुट करा नंबर, तो आई हैव इनपुटेड द नंबर एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, बिकॉज मेरे को नेक्स्ट परम्यूटेशन एक इनबिल्ट फंक्शन होता है उसको यूज करना था, दैट्स वाई। तो मैंने स्ट्रिंग को इनपुट करा, I took the size of it and I sorted it, the string को मैंने sort कर दिया, because मेरा aim क्या है, मेरे को all permutations पे जाना है, all possible separations check करना है और मेरे को answer को store करना है, ठीक है, and finally मेरे को answer को print करना है, ठीक। तो मैंने क्या करा, I sorted it because this will be the lexicographically smallest possible number, ठीक है, I'll write it lexicographically smallest number, so lexicographically smallest number, it will become the lexicographically smallest, मतलब if you will see all permutations of this number s, जो भी ये number होगा उसका जो सबसे छोटे वाला होगा ना, because अगर 1 2 3 का permutation देखोगे तो 1 2 3 will be the smallest, 1 2 3 then 1 3 2, ठीक है, then 2 1 3, then 2 3 1, then 3 1 2, then 3 2 1, okay.
सो दिस इज इन सॉर्टेड ऑर्डर, तो मेरे को चाहिए जो सबसे पहले वाला होगा इस नंबर में, सॉर्टेड ऑर्डर में जो भी पहले वाला नंबर आएगा, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट, आई सॉर्टेड द होल स्ट्रिंग एंड दिस विल बिकम लाइक दिस, इफ इट इज 1, 2, 3 देन आई विल स्टोर दिस आंसर विच इज द मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ दिस नंबर, मैक्सिमम पॉसिबल आंसर वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स. कूल. सो वॉट आई डिड इज यूज द डू वाइल लूप एंड द नेक्स्ट परम्यूटेशन इन बिल्ट फंक्शन वी गेट इन सी प्लस प्लस लाइब्रेरी. नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या करता है कि ये करंट जो भी स्ट्रिंग है या वेक्टर पे भी अप्लाई होता है, तो जो भी है हमारा करंट, मान लो हमारा करंट 1, 2, 3 है, तो अगर हम उसमें नेक्स्ट परम्यूटेशन यूज़ करते हैं देन वील गेट 1, 3, 2. तो अपने को वो नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में जो नेक्स्ट होता है ना, डिक्शनरी ऑर्डर होता है लेक्सिकोग्राफिकली, ये डिक्शनरी का ऑर्डर होता है, तो जो डिक्शनरी में नेक्स्ट आएगा ना वो परम्यूटेशन रिटर्न करता है. तो इफ वी आर गेटिंग 1, 2, 3 देन वील गेट 1, 3, 2. देन अगर 1, 3, 2 है तो वो 2, 1, 3 देगा नेक्स्ट परम्यूटेशन. देन अगर स्ट्रिंग 2, 1, 3 है, नेक्स्ट परम्यूटेशन 2, 3, 1 देगा. तो ऐसे करते करते 3, 2, 1 देगा एंड देन एंड हो जाएगा. ठीक है, तो ये डू वाइल लूप बहुत फेमस रहता है. अगर आपको नहीं पता नेक्स्ट परम्यूटेशन तो ज़रूर पढ़ो इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें क्या होता है डू वाइल लूप में कि भाई अपना डू एक टाइम तो चलता ही है, तो जो ऑर्डर है ना वर्किंग है इसका, तो सबसे पहले डू के अंदर जाता है कंट्रोल, कंट्रोल गोज टू दिस डू एंड देन इट कम्स टू वाइल, देन अगेन गो टू डू, देन वाइल, देन डू. सो द ऑर्डर इज कि डू विल रन, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन इन वाइल लूप. ठीक है, क्लियर है. तो ये डू के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट्स डालेंगे वो तो रन करेगा ही करेगा, चाहे वाइल लूप का जो कंडीशन हो वो फॉल्स क्यों ना हो. दिस इज डू वाइल लूप. अगर मेरे को अपना कोड को एक बार मिनिमम चलाना ही है ना, तो डू वाइल लूप यूज करते हैं. तो फर्स्ट बार मैंने क्या करा, जो भी मेरा स्ट्रिंग है, करंट नंबर है, उसका ऑल परम्यूटेशन निकाला, ठीक है, ऑल सेपरेशन निकाला, ऑल सेपरेशंस, और वो स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया. तो फर्स्ट पार्ट मतलब हर इंडेक्स पे मैंने उसको ब्रेक करा कि मान लेते हैं फर्स्ट सेपरेशन विल बी टिल आई, तो फर्स्ट सेपरेशन विल बी टिल आई, देन नेक्स्ट सेपरेशन विल बी फ्रॉम आई प्लस वन, एंड दोनों को मैंने कंडीशन में चेक कर लिया कि इफ दे आर नॉन जीरोज एंड इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन विल टेक द मैक्सिमम ऑफ करेंट आंसर एंड द आंसर वी गेट फ्रॉम मल्टीप्लाइंग दीज टू सेपरेटेड इंटीजर्स. तो STOI, वॉट इज STOI, इज अ फंक्शन आई एम यूजिंग, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर. ओके, तो किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो वी आर यूजिंग STOI फंक्शन. तो वी हैव बेस 10. तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इन बेस बी, सपोज यू आर वॉन्ट टू कन्वर्ट अ इंटीजर फ्रॉम बेस 3 इन डेसिमल, तो यू विल यूज हेयर बेस. सो करेंटली द बेस इज 10 बिकॉज इन अ स्ट्रिंग द इंटीजर इज इन डेसिमल ओनली. सो यू कैन यूज एनी बेस हेयर एंड कन्वर्ट द स्ट्रिंग फ्रॉम इंटीजर, सॉरी इंटीजर फ्रॉम स्ट्रिंग. सो STOI इज दिस एंड डू वाइल लूप इज दिस एंड फॉर एवरी परम्यूटेशन वील डू दिस सेपरेशन. सो यू कैन सी दैट कॉम्प्लेक्सिटीज दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड दिस विल वर्क बिकॉज ब्रूट फोर्स विल वर्क. सो डू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, ब्रूट फोर्स ही ऑप्टिमल है, इट विल हेल्प यू अलॉट इन प्रोग्रामिंग बिकॉज फ्यू सम ऑफ द टाइम्स की आपको पता ही नहीं चलता है कि भाई लगाना क्या है ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा है एंड द प्रॉब्लम इज सिंपल. प्रॉब्लम बी है, सी है, ए प्रॉब्लम भी कई बार आता है एंड वी आर थिंकिंग कि यार DP लगा दूँ क्या, पर DP भाई लगेगा कैसे, ए प्रॉब्लम है ना यार, आसान होता है ना. तो दैट्स वाई यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट हियर, ब्रूट फोर्स इज ऑप्टिमल है एंड approach this problem like this. So all agar the key points are that you should know next permutation, you should know do while loop, and you should know the concept of converting string to integer, and that's all. This is brute force. So brute force, using brute force you can implement this problem, nothing fancy here.
Sir, Mayank has some doubt. Sir, I have been doing CP since 1.5 year. I am still a newbie and I am even following Mostafa's hard sheet. And where I am lagging behind, when to look at editorial time spent per question. So, bro, Mayank, this is very personal. कि आपको कितना टाइम लगाना चाहिए, what time you should spend in a problem. When you should see editorial and that all these questions are very personal, but at a high level, I'll say कि आपको अपना बेस्ट देना चाहिए, ठीक है? कि आपका दिमाग एकदम फट चुका है, नाउ यू कॉन्ट थिंक मोर अबाउट इट. इतना सोचो, सब कुछ दिमाग लगा लो एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट, ठीक है? सोचना ही नहीं है. अगर आप सिर्फ सोचोगे ना, तो आप बार बार उसी पॉइंट पर आओगे कि नहीं, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है. नहीं, इम्प्लीमेंट करना सीखो. 1 घंटा सोचा ना, आप कुछ इम्प्लीमेंट करो, चाहे ब्रूट फोर्स इम्प्लीमेंट करो. यू शुड ट्राई इम्प्लीमेंटिंग ब्रूट फोर्स एट लीस्ट. दिस वे यू विल हैव द प्रैक्टिस, कि आपको आएगा एक्सपीरियंस के साथ, वो आएगा अंदर से आएगा कि हाँ यही सही है. इंट्यूशन, बिकॉज मैनी ए टाइम्स इंट्यूशंस वर्क, और बहुतों के लिए वर्क करता है इंट्यूशन कॉम्पिटिटिव में. हर चीज़ का प्रूफ अपने को नहीं पता होता, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस करो. एडिटोरियल थोड़ा थोड़ा देखो, पूरा मत देखो. आइडिया ले लो, खुद इम्प्लीमेंट करो. फिर भी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा और आइडिया लो, फिर इम्प्लीमेंट करो. फ्रेंड्स के कोड देखो, उनसे समझो कि वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. आपका एक्सेप्ट हो गया, फिर भी उनके आइडियाज़ लो, ठीक है? उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एंड ये Int32 वाला मैंने दूसरों के कोड से ही सीखा था, मेरे को पहले से कुछ नहीं पता था, बिकॉज गूगल वाला आदमी नहीं था मैं, कि गूगल करता रहता हूँ सब कुछ. ये भी मेरे को कोड से ही सीखने को मिला था, वेन आई स्टार्टेड. तो सब मेरे को कॉन्सेप्ट से देख के सीखा कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है. तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा. एंड ऑनेस्टली प्रैक्टिस करो कंसिस्टेंटली. आप 1.5 साल से कर रहे हो, आई कैन सी. एंड डोंट गो टू नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व, वो अपने आप इंक्रीज होगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा. तो लेकिन क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कि एक करा है ना तो उसको एकदम डीप डाइव कर चुका हूँ मैं उस प्रॉब्लम में, समझ रहे हो? तो दीज आर सम पॉइंट्स यू कैन कीप इन टू एंड यू कैन यू विल परफॉर्म वेल. ऑलवेज बिलीव दैट यू विल डू गुड, नो वरीज. प्रैक्टिस करो अपने अपने डिफिकल्टी प्रॉब्लम. ये नहीं कि अब आप लाइक यू आर अ न्यूबी एंड यू आर प्रैक्टिसिंग 2400 प्रॉब्लम ऑन कोड फोर्सेस डिफिकल्टी. सो दिस इज नॉट कूल, राइट? यू शुड स्टार्ट विद योर लेवल, लाइक डिफिकल्टी ग्रेटर देन योर लेवल. लाइक यू आर न्यूबी, सो यू कैन प्रैक्टिस 1200, 1400, 1500, टिल 1500 डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स, एंड यस यू विल लर्न न्यू कॉन्सेप्ट प्रैक्टिसिंग दोज प्रॉब्लम्स. बेसिक इज लर्निंग प्लस प्रैक्टिस विच विल मेक यू अचीव हाई इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, नथिंग एल्स. एंड योर अप्रोच, ओके? अप्रोच किसी का कॉपी नहीं करना है, खुद का बनाना है. अंडरस्टैंड करो वेयर आर यू लैगिंग एंड हो जाएगा. तो इस प्रॉब्लम में कोई डाउट हो तो बोलो. आसान प्रॉब्लम है, नेक्स्ट परम्यूटेशन यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करा, ठीक है? वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नंबर एंड देन कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग ऑन द नेक्स्ट परम्यूटेशन, लाइक 1, 2, 3, देन नेक्स्ट 1, 3, 2, देन 2, 1, 3, देन इन एवरी नंबर वी आर डूइंग ऑल पॉसिबल सेपरेशन एंड अपडेटिंग आर आंसर. एंड फाइनली वी आर प्रिंटिंग द आंसर एंड यस दिस इज ऑल. सो नो वरीज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. वेयर इज द नेक्स्ट? सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू डी. ओके, so we are moving to D. any doubts? कोई डाउट है तो बोलो. लाइक, प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू आर नॉट. Like the video if you are able to understand anything from this, and if you are not, then you can like ask me in the chat section. I'll definitely answer your doubts. So देख लो थोड़ी देर के लिए आप, ये प्रॉब्लम का कोड मैंने शो करा है आपको, देख लो आप. कोई डाउट है तो बोलो.
देन एक दो एक मिनट में मूव करते हैं, प्रॉब्लम डी पे मूव करते हैं, ऑनलाइन गेम्स पे। ओके, और बताओ एनीथिंग न्यू गोइंग ऑन? सो यू कैन फॉलो दिस प्ले लिस्ट ऑन ईजी कोड ऑल्सो, वहाँ पर पुरानी वीडियोज़ मिलेगी आपको डिस्कशन का, जो भी यहाँ पर नए देख रहे हैं हमें। ईजी कोड पर हमने काफ़ी सारे डिस्कशन करे हैं, लाइक 25 डिस्कशन आई गेस ऑफ कॉन्टेस्ट कोड शेफ एट कोडर एंड ऑल। और DSA में भी हम कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं, इस पर यहाँ पर भी करेंगे स्टार्ट। बट आपको कुछ देखना हो अभी तक क्या हुआ है तो यू कैन रेफर टू ईजी कोड, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सॉरी आई वॉज ऑन म्यूट, कि कोई डाउट नहीं है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू प्रॉब्लम डी। डी बहुत ही मस्त प्रॉब्लम है, लेट्स सी दैट। तो प्रॉब्लम सी अपने को क्लियर होना चाहिए। यू आर गिवन एन इंटीजर एंड कंसिडरिंग परम्यूटिंग द, ठीक है, जो 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 भी है, वी हैव डिस्कस दिस इन डिटेल। तो यहाँ पर देख सकते हो 10 की पावर 9 तक है, एंड कंटेंस टू और मोर डिजिट्स दैट आर नॉट जीरो। तो इसलिए हमने 10 की पावर 9 को डिस्कार्ड कर दिया था, बिकॉज एन में एटलीस्ट 2 डिजिट्स तो नॉन जीरो हो गई, और 10 की पावर 9 में सिर्फ एक ऐसा डिजिट है जो नॉन जीरो है। तो दैट्स वाई वी टुक 9, एंड कॉम्प्लेक्सिटी हमने देख लिया था 9 फैक्टोरियल इंटू नंबर ऑफ सेपरेशन, जितना भी अपने को करना पड़ेगा। वर्स्ट केस में 9 डिजिट्स में 8 सेपरेशंस। सो लेट्स मूव टू प्रॉब्लम डी, ऑनलाइन गेम्स। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम एंड बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। इफ़ यू आर लाइक मयंक वॉज सेइंग कि वो 1.5 साल से कर रहे हैं, तो 1.5 साल वाले को ज़रूर पता होगा इसके बारे में, इफ़ यू आर अप सॉल्विंग इट राइट। तो दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर ऑन कोड फोर्सेस, आता रहता है इन डिफरेंट वेज। यहाँ पर मैंने शायद पहली बार देखा, क्योंकि एटकोडर मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, अभी स्टार्ट करा है जस्ट, और सिर्फ समझाने के लिए, लाइक डिस्कशन के लिए स्टार्ट करा है। मेरे को ऐसा कुछ अपना स्किल इम्प्रूव नहीं करना है इससे, जस्ट प्रैक्टिसिंग, कि बिगिनर है थोड़ा बहुत यूज टू रहेंगे तो सही रहेगा, बिकॉज नाउ अडेज टाइम भी नहीं मिलता है इतना, यू नो, हो जाता है ऐसा जब आप लेट अपनी स्टेज में आगे बढ़ोगे लाइफ की, कि भाई आप जॉब करोगे एंड ऑल, तो आपको भी थोड़ा कम टाइम मिलेगा। नाउ कॉलेज में हो, स्कूल में हो, तो यू गेट लाइक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम डी, ऑनलाइन गेम्स। तो देर इज़ एन ऑनलाइन गेम विद एन रजिस्टर्ड प्लेयर्स, तो देर आर एन रजिस्टर्ड प्लेयर्स एंड ओके। तो टुडे विच इज़ द 10 की पावर 100th डे विच सिंस इट्स लॉन्च, द डेवलपर टाकाहाशी एग्जामिन द यूजर्स लॉग इन हिस्ट्री। ठीक है, तो वो यूजर का लॉग इन हिस्ट्री को एग्जामिन कर रहा है टाकाहाशी। इट टर्नड आउट दैट द आईथ प्लेयर लॉग्ड इन फॉर BI कॉन्जिक्यूटिव डेज एंड फ्रॉम डे AI। ओके, सो वेयर डे वन इज़ द लॉन्च डे एंड डिड नॉट लॉग इन फॉर द अदर डेज। ठीक है, तो वट टाकाहाशी इज एग्जामिनिंग दैट, कि इफ़ आईथ प्लेयर लॉग्ड इन इन द BI डे, BI इज़ अ नंबर इंटीजर, यू कैन सी हेयर इन द कंस्टेंट। तो इफ़ BI डे को उसने लॉग इन करा, तो वो BI से स्टार्ट होके कॉन्जिक्यूटिव AI डेज तक, ठीक है, और BI कॉन्जिक्यूटिव डेज फ्रॉम डे AI, सॉरी BI कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, तो AI स्टार्टिंग फ्रॉम AI डे
BI तक वो जाएगा, ठीक है, एंड इतने कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए ही इज़ लॉगिंग इन, ठीक है, एंड वेयर डे वन इज़ द लॉन्च डे एंड देन, ठीक है, और बाकी किसी भी दिन के लिए वो लॉग इन नहीं करेगा. तो कोई भी यूज़र लॉग इन कर रहा है ना, तो वो एक पर्टिकुलर विंडो के लिए कर रहा है और वो विंडो हमें गिवन है. इन अदर वर्ड्स, द आईएथ प्लेयर लॉग्ड इन ऑन डे ए आई प्लस वन. तो यू कैन सी हियर सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, रुको. हाँ अब ठीक है. तो आईएथ प्लेयर लॉग्ड इन ऑन डे ए आई प्लस वन, देन ए आई ऐसे करते करते लास्ट में BI-1 एंड ओनली ऑन दोज डेज, ठीक है. फॉर ईच इंटीजर के सच दैट K is like 1 to n, find the number of days on which exactly K players logged in. ठीक है, cool. Problem काफी simple है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. If you have any doubt, you can ask. And so what the problem says is कि समझते हैं इसको sketchbook पे. Moving to sketchbook. ठीक है, यस. सो आईएथ प्लेयर है, उसका मेरे को लॉग इन हिस्ट्री पता है, जो टाकाहाशी इज चेकिंग कि भाई आईएथ प्लेयर जो है हमारा वो ए आई प्लस वन, ए आई हमें गिवन होगा, नो वरीज, AI+2 एंड टिल BI-1, ठीक है, AI+BI-1. This is the last day and this is the first day. ठीक है. So total how much days? BI consecutive days. So are you able to see this? I think not. Now you'll be able to. So for BI consecutive days, ith user is logged in and for I plus 1th user and I plus 2, same thing applies. I plus 3, I plus 4. For I plus 1, AI plus 1 plus 1, and this is still AI plus 1 plus BI plus 1 minus 1. So for I plus 1 users also, there are BI consecutive days. For I plus 1 user, there are BI plus 1 consecutive days. So we can see that for every ith user, we are given the BI consecutive days list, and for these days the user I is logged in, and for others days he is not, he or she is not logged in. What we have to do? Problem में क्या करना है मेरे को? Problem समझ आया ना, क्या हो रहा है अब, करना क्या है ये देखते हैं. ith user के लिए मेरे को वो consecutive BI number of days पता है जिसमें वो logged in है. Now अपने को ये करना है, लेट मी शो यू द प्रॉब्लम अगेन. अपने को ये करना है कि फॉर ईच इंटीजर के सच दैट के इज 1 to n, ठीक है, एन क्या था, नंबर ऑफ प्लेयर्स. तो फॉर के 1 to n, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच एग्जैक्टली के प्लेयर्स लॉग्ड इन. तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच एग्जैक्टली के प्लेयर्स लॉग्ड इन. अब के वेरी करेगा 1 to n, तो के 1 to n के लिए मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज ऑन विच एग्जैक्टली के प्लेयर्स. तो आउटपुट में मेरे को एन के लिए आंसर देना है, मतलब के, बिकॉज के इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n. तो के 1 के लिए क्या आंसर होगा, के 2 के लिए क्या होगा, ऐसे के एन के लिए क्या होगा, के एन के लिए क्या आंसर होगा, नंबर ऑफ प्लेयर्स एग्जैक्टली एन होंगे लॉग्ड इन. द लॉग्ड इन नंबर ऑफ प्लेयर्स आर एग्जैक्टली एन फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज, दैट इज डी एन. ठीक है, नंबर ऑफ डेज ऑन विच एग्जैक्टली के प्लेयर्स लॉक्ड इन. ध्यान से अब मेरे को ये निकालना है, ठीक है. अब मैं सोच रहा हूँ भाई मेरे को क्या करना है. कंस्ट्रेंट देखा मैंने, कहा यार 2×10^5, यानी कि लीनियर या फिर एन लॉग एन टाइप कुछ हो सकता है, नॉट मोर देन दैट.
मैंने कंस्ट्रेंट्स भी देख लिया, ठीक है इनपुट इंटीजर्स हैं, कूल। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। जब मैंने फर्स्ट टाइम करा था ना ऐसा सिमिलर, तो मैं फंस गया था, ठीक है। देन जब मैंने उसको समझा, बाद में समझा एंड जब मैंने करा, तो मैंने एक दिमाग में बात डाल लिया कि भाई ये प्रॉब्लम दोबारा आएगा ना तो इसको करूँगा। फिर जब जब से आया है ना और मैं इसको करता आया हूँ, तो ये ऐसी प्रॉब्लम है जो रिपीट होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखते जाओ, अभी आपको समझ में आएगा। तो आ जाओ, इसको समझते हैं। तो इसका ना मैं सीधा कोड दिखाऊंगा, आपको अप्रोच दिख जाएगा, पर उससे पहले थोड़ा सा फील ले लेते हैं क्या है। कोड से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरे को हर यूज़र का क्या पता है? हर यूज़र का इन पता है, एंड हर यूज़र का आउट पता है। मतलब आउट से पहले वाला देना है ना, तो आउट क्या होगा इसका देखें अगर हम। तो लेट मी सी, स्क्रीन इज विजिबल। हाँ ठीक है, ध्यान से देखना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ध्यान से देखना बिल्कुल एकदम। तो ये है इन टाइम, ठीक है। किसी भी आईएथ यूजर का टाइम जो होगा इन, वो एआई होगा। और आउट टाइम क्या होगा? ये उसका लास्ट लॉग इन टाइम था, तो आउट टाइम होगा दिस प्लस वन, यानी कि एआई प्लस बीआई, ठीक है। ये क्या होगा? ये होगा आउट टाइम, ठीक है। यहाँ पर ये लॉग आउट हो चुका होगा, यहाँ तक लॉग इन होगा, इस कॉन्जिक्यूटिव डेज में लॉग इन है, इसमें तो नहीं होगा ना, ठीक है। इसमें तो लॉग इन नहीं होगा, तो ये लॉग इन का टाइम है फर्स्ट वाला, एंड दिस लास्ट है लॉग इन का टाइम। फिर यहाँ से वो लॉग आउट हो गया है। तो मैं अगर लॉग इन टाइम मेरे को पता है, लॉग आउट टाइम मेरे को पता है, समझ रहे हो? लॉग इन टाइम मेरे को पता है, आई नो लॉग इन टाइम, लॉग आउट टाइम। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हर यूज़र का, मान लो आईएथ यूज़र का लॉग इन टाइम जो होगा एआई होगा, लॉग आउट टाइम क्या होगा? एआई प्लस बीआई, मतलब इस टाइम से स्टार्ट होते हुए वो लॉग आउट होगा, ये होगा, ये लॉग आउट टाइम। ये बहुत बेसिक अप्रोच है इसका, इस प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, दिखा रहा हूँ मैं, बस समझते जाओ। तो ये हर यूज़र का मेरे को पता है, ये चीज़ मेरे को हर यूज़र का पता है, ठीक है। तो वॉट आई कैन डू इज कि भाई मैं हर यूज़र का लॉग इन देख पा रहा हूँ और लॉग आउट देख पा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको एक पेयर बना दूँ, इसमें प्लस वन डाल दूँ एंड लॉग आउट वाले को मैं माइनस वन डाल दूँ, ठीक है। अगर लॉग इन, अगर जिस टाइम पे कोई यूज़र कर रहा है, जिस टाइम पर लॉग इन कर रहा है वहाँ पे प्लस वन डाल दूँ और लॉग आउट में माइनस वन डाल दूँ, तो क्या मैं बेनिफिट ले सकता हूँ? नो साउंड, क्या बात कर रहे हो? आ तो रहा है, हेलो 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 हेलो, साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है भाई, सारांश साउंड आ रहा है यार, कंफर्म करो, कंफर्म, कंफर्मेशन कंफर्मेशन। आ रहा है ना? कंफर्म करो, कंफर्म, जल्दी जल्दी जल्दी। साउंड ओके, कूल, बढ़िया। तो मेरे को ये पता चल गया कि अगर कोई यूज़र लॉग इन करेगा, इफ़ एनी यूज़र लॉग इन, तो वो एआई पे कर रहा है, तो मैंने उसके साथ एक पेयर में प्लस वन डाल दिया, बिकॉज़ मैं हिसाब रखना चाहूँगा कि कौन से टाइम पर, कौन से डे पर कितने यूज़र लॉग्ड इन है, ठीक है। ऐसे ही मैंने ये एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए एक तो ये मैंने स्टोर करा, और मैं क्या करूँगा उसका लॉग आउट टाइम, कि भाई यहाँ इस टाइम से स्टार्ट होते हुए वो लॉग आउट हो चुका है, तो इस टाइम से स्टार्ट होते हुए माइनस वन कर दिया, ठीक है। अब मैं इसका कैसे यूज़ करूँगा ये देखना। तो ये रनिंग एक एल्गोरिदम होता है जो हम इस ऐसी टाइप्स की प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। अगर आपने नहीं कर पाए अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व, तो इसको ध्यान से समझना, बहुत यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बार हम इसे यूज़ करेंगे, आप देखोगे। और जब आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते जाओगे तो ये वाला प्रॉब्लम आता रहेगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको कोड दिखाऊंगा एंड समझाता जाऊंगा साथ साथ, लेट्स सी। तो अब हम यूज़ कैसे करेंगे कि भाई उसका लॉग इन पता है, उसका लॉग आउट पता है, अब इस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे? अब मेरे को पता है कि भाई वो लॉग इन इस पे हुआ है, लॉग आउट इस पे हुआ है,
तो बीच के जो भी नंबर ऑफ डेज हुए उस पे तो वो लॉग इन ही रहेगा ना, इतना मेरे को गारंटी है। स्टार्टिंग फ्रॉम AI वो अपने लास्ट लॉग इन डे, मेरे को वो चीज़ पता है कि वो कब तक लॉग इन रहने वाला है। लेट मी शो यू सम कोड, कॉपी एंड कुछ भी नहीं करना था इसमें। अगर आपको ये चीज़ का एक्सपीरियंस था तो आप कर लेते, अदरवाइज थोड़ी मुश्किल होती, बट कोई बात नहीं, लेट्स सी। तो ये रहा आपका कोड, ठीक है। तो हमेशा की तरह इट्स ऑलवेज दिस की टेस्ट केस इज़ वन एंड वाइल लूप फॉर ऑल टेस्ट केसेस विच इज़ विल बी वन इटरेशन इन एट कोडर। सो मूविंग टू, सो इग्नोर दिस एरर बिकॉज मेरा VS कोड पागल हो गया है ना, एंड इसको हम डिलीट कर देते हैं बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग इट, ये पुराने प्रॉब्लम का है। नाउ वी आर इनपुटिंग एन नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड देन इन अ वेक्टर वील स्टोर दैट कि एक पर्टिकुलर प्लेयर लॉग इन कब हुआ और कब से वो लॉग आउट हो गया, ठीक है। वील स्टोर दिस, तो हर फॉर एवरी यूजर वी आर इनपुटिंग एक्स एंड वाई, एंड एक्स इज AI, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स इज AI एंड वाई इज BI, ठीक है। एक्स इज AI एंड वाई इज BI, तो लॉग इन टाइम क्या था, AI, व्हाट वॉज द लॉग इन टाइम, AI, तो मैंने डाल दिया AI लॉग इन टाइम एंड पेयर में एक रख लिया प्लस वन, कुछ भी रख सकते हो, दिस जस्ट अ फ्लैग, फ्लैग की टू डिनोट कि इस टाइम से स्टार्ट होते ही हमारा एक प्लेयर लॉग इन हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ फ्लैग, माइनस वन मतलब एक प्लेयर जा चुका है, यहाँ इस टाइम से आगे जाएंगे तो इंक्लूडिंग दिस टाइम एक प्लेयर रिमूव हो चुका है, लॉग आउट हो चुका है। तो एक्स इज AI वाई इज BI, तो AI एंड AI प्लस BI वेक्टर में पुश कर दिया, एंड वी विल मूव इन ऑर्डर ऑफ, मूव इन ऑर्डर ऑफ टाइम, ठीक है। तो दिस इज द मेन थिंग जो प्रॉब्लम में रिपीट होने वाला है ना, वो यही चीज़ है कि आपने हर टाइम का हिसाब रखा एंड यू विल मूव इन द ऑर्डर ऑफ टाइम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये क्या था, डे था कि भाई डे एक्स, डे एक्स प्लस वाई, तो इसको हमने सॉर्ट कर दिया वेक्टर को, वी सॉर्टेड दिस वेक्टर एंड वी आर मूविंग इन ऑर्डर ऑफ टाइम। दिस इज द आंसर एरे इन विच विल स्टोर, व्हाट विल स्टोर, आई विल डिफाइन इट हियर, नंबर ऑफ डेज फॉर विच एग्जैक्टली आई प्लेयर्स वर लॉग्ड इन, ओके। सो नंबर ऑफ डेज फॉर विच एग्जैक्टली आई प्लेयर्स वर लॉग्ड इन इज काउंट आई, आई प्लेयर्स लॉग्ड इन थे कितने दिनों के लिए, नंबर ऑफ डेज फॉर विच आई एग्जैक्टली आई, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, एग्जैक्टली आई प्लेयर्स वर लॉग्ड इन। तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया जीरो से कि भाई मैं इसको आंसर रखूंगा, देन मैं एक करंट जो मैंने बोला था रनिंग एल्गोरिदम है ना, तो रनिंग एल्गोरिदम में ये मैंने ये नाम दिया, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है, तो ध्यान से समझना। मैंने हर टाइम का यहाँ पर हिसाब रख लिया कि इस पर्टिकुलर टाइम पर मैं एंटर कर रहा हूँ एक प्लेयर को, इस पर्टिकुलर टाइम पर निकाल रहा हूँ प्लेयर को, ठीक है। तो आपने उस पूरी रेंज को दो एंड पॉइंट्स में तोड़ दिया, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग, और फिर मैं हर प्लेयर के लिए निकाल रहा हूँ, मतलब फॉर एवरी नंबर ऑफ प्लेयर की एग्जैक्टली आई प्लेयर्स के कितने नंबर ऑफ डेज थे, ठीक है। तो करंट विल शो, करंट इज नंबर ऑफ प्लेयर्स लॉग्ड इन, ठीक है, करंटली, करंटली कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स लॉग्ड इन है वो मेरे को ये बताएगा, ठीक है। जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अब मैं इटरेट कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, इसमें से इटरेट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को जब भी एक प्लेयर इंसर्ट हो रहा होगा तो मेरे को ये वाला कुछ मिलेगा जिसका सेकेंड एलिमेंट वन है, और जब भी कोई प्लेयर रिमूव हो रहा होगा आई आई विल गेट माइनस वन एयर। तो मैंने क्या करा भाई, इटरेट कर रहे हैं, करंट वाले को चेक करा, अगर करंट का सेकेंड एलिमेंट वन है, करंट पेयर का सेकेंड एलिमेंट वन है, मतलब इस टाइम से एक प्लेयर आएगा, तो मैंने करंट प्लेयर में प्लस प्लस कर दिया कि भाई एक प्लेयर आ चुका है, अदरवाइज ये माइनस वन होगा, यानी कि इस टाइम से स्टार्ट हो रहा है अपना माइनस वन, एक प्लेयर जा चुका है,
तो ये करंट नंबर ऑफ प्लेयर्स बताएगा मेरे को जो लॉग्ड इन है, ठीक है। बहुत बढ़िया रनिंग एल्गोरिदम है, देखते जाओ, यू विल गेट इट, ठीक है। तो दिस इज़ क्लियर, ठीक है। अब मेरे को अपने आंसर एरे में कैसे अपडेट करना है, तो मैंने क्या कहा कि इफ वी आई डॉट फर्स्ट इज इक्वल्स टू वी आई प्लस वन डॉट फर्स्ट, तो इसको आप हटा भी सकते हो, ये फालतू है। कोड लिखते टाइम अब हम बहुत कुछ लिख देते हैं, दैट इज वे, ठीक है। तो ये क्या है कि काउंट ऑफ, यहाँ पर देखो ध्यान से, काउंट ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच एग्जैक्टली आई प्लेयर्स फॉर लॉकड इन। तो मेरे को पता है अभी करंटली इतने प्लेयर्स हैं, इतने प्लेयर्स लॉकड इन है, तो इतने प्लेयर्स के लिए मेरे को नंबर ऑफ डेज निकालना था। तो मैंने कहा इसके नंबर ऑफ डेज का निकालने का एक सिंपल तरीका है ना, कि भाई जो भी नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी आने वाला है, ठीक है, इस एरे में, वी एरे में जो भी नेक्स्ट प्लेयर आने वाला है, उससे मेरा नंबर ऑफ प्लेयर्स तो चेंज होने वाला है पक्का 100%। मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ डेज फॉर विच एग्जैक्टली, इस पे फोकस करो, एग्जैक्टली आई प्लेयर्स फॉर लॉकड इन। तो एग्जैक्टली सी यू आर आर प्लेयर्स लॉकड इन हो, इसका मेरे को पता लगाना है। तो मैंने कहा यार सी यू आर आर प्लेयर लॉकड इन होंगे, ये कब तक होंगे, इसका नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा वो आएगा, तो वो या तो ये कंडीशन लाएगा या तो ये कंडीशन लाएगा। तो कुछ भी कंडीशन लाएगा, मेरे को ये तो श्योर हूँ कि मेरे नंबर ऑफ प्लेयर्स चेंज हो जाएंगे। मेरे को क्या चाहिए था, एग्जैक्टली आई प्लेयर्स हो लॉकड इन। तो मैंने कहा इस सी यू आर आर नंबर ऑफ प्लेयर्स लॉकड इन के लिए मेरा आंसर क्या होगा, मैंने कहा भाई नेक्स्ट जिस भी दिन पे अगला वाला आ रहा है या जा रहा है, माइनस करंट वाले का जो भी दिन था, दैट उसके बीच के दिनों में तो कांस्टेंट रहने वाला है ना, दैट इज द आंसर फॉर दिस। मैं क्या कह रहा हूँ देखो, कि भाई सेकेंड डे पर एक प्लेयर आया और इसका नेक्स्ट एलिमेंट है, फोर्थ डे पर एक प्लेयर आया, प्लस वन है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, प्लस वन है एंड प्लस वन है। तो ये अगर मेरा आईएथ है, ये मेरा आईएथ एलिमेंट है और ये आई प्लस वन है, तो मैंने क्या कहा कि भाई अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो जो भी मेरा करंट नंबर ऑफ प्लेयर्स लॉकड इन है वो ये है। ये नंबर ऑफ प्लेयर्स लॉकड इन कब तक रहेंगे, जब तक ये वाला केस नहीं आ जाता, ये वाला केस से पहले तो इतने ही रहने वाले हैं ना। तो मैंने कहा दो नंबर ऑफ डेज डे नंबर टू के लिए, और बीच में जो डे नंबर थ्री आ रहा होगा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे नंबर ऑफ डेज चल रहे होंगे। तो अभी मैं करंट नंबर ऑफ डे टू पर हूँ, यहाँ पर हूँ, इस पर हूँ, टू पर हूँ। मैंने कहा जब भी चेंज होंगे नंबर ऑफ प्लेयर्स मेरे, वो फोर पे होंगे, लेकिन फोर से पहले तो इतने ही रहने वाले हैं ना। तो टू और थ्री, इन दोनों के काउंट को मैं ऐड कर सकता हूँ इस सी यू आर आर के नंबर ऑफ डेज में। समझ रहे हो बात को, फील ले रहे हो, आर यू गेटिंग? तो मेरे को कोई डाउट तो दिख नहीं रहा है चैट में, प्लीज आस्क, अगर आपको कुछ लग रहा हो ना तो दोबारा कंसिडर करो इसको और देखो क्या दिक्कत है, मेरे को बताओ, आई एक्सप्लेन यू। तो वट द प्रॉब्लम इज कि भाई नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर्स अभी कांस्टेंट है, सी यू आर आर जितने भी हैं, करंट आई के लिए, ये मेरा आई है, ठीक है, ये मेरा आई है, जो भी करंट आई है, मैं यहाँ पर हूँ, इस पेयर पर हूँ, मेरा आई यहाँ है, मेरे को पता है अभी तक कितने प्लेयर्स लॉग्ड इन हैं। अब ये नंबर ऑफ प्लेयर जो लॉग्ड इन है सी यू आर आर, ये और कितने दिनों तक लॉग्ड इन इतने ही रहने वाले हैं सी यू आर आर, मैंने कहा वो इससे पहले तक इतने ही रहने वाले हैं, बिकॉज जो भी अगला एलिमेंट होगा उस पर वो नंबर ऑफ प्लेयर्स का काउंट चेंज हो जाएगा, या तो प्लस प्लस हो जाएगा या माइनस माइनस हो जाएगा, दो केस हैं, होना ही है कुछ ना कुछ। तो उससे पहले तक कितने नंबर ऑफ डेज आएंगे, तो मैंने कहा फोर माइनस टू, फोर माइनस टू, फोर माइनस टू मतलब टू, यानी कि टू और थ्री, बिकॉज फोर से स्टार्ट होते ही हमारा नंबर ऑफ प्लेयर चेंज होने वाला है, तो फोर से पहले पहले तक तो उतना ही रहेगा ना। तो मैंने करंट नंबर ऑफ प्लेयर्स के लिए दिस डिफरेंस को ऐड कर दिया, और ऐसे करते करते मैंने अपना लूप आगे बढ़ाया एंड कंटिन्यूड। लास्ट में मैंने क्या करा, व्हाट आई डिड कि मैंने प्रिंट कर दिया फॉर आई नंबर ऑफ प्लेयर्स हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज, ठीक है, फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज आई प्लेयर्स वर लॉक्ड इन, एग्जैक्टली आई प्लेयर्स वर लॉक्ड इन, एग्जैक्टली, समझ रहे हो, एग्जैक्टली आई प्लेयर्स वर लॉक्ड इन फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज। तो ऐसे करके हमने, तो ये रनिंग एल्गोरिदम है, बहुत बढ़िया एल्गोरिदम है। इसमें हम क्या करते हैं, एक रेंज दे रखा होता है हमें, एवरी टाइम यू विल एनकाउंटर दिस प्रॉब्लम एक रेंज गिवन होगा,
उस रेंज में आपको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पकड़ के और एक वेक्टर में डाल के सॉर्ट करना है और टाइमली आगे बढ़ना है, मूव इन ऑर्डर ऑफ टाइम, ठीक है। और जैसे जैसे ऑपरेशंस हो रहे हैं आपको भी परफॉर्म करना है वैसा। जैसे हमने इसमें क्या करा कि भाई करंट नंबर ऑफ प्लेयर जो भी है उसके लिए हमने आंसर अपडेट करते गए, एंड मूविंग फॉरवर्ड ऐसे ही करते करते हमने आंसर निकाल लिया। लॉजिक समझ में आ रहा है ना कि भाई लॉजिक क्या है? कोई डाउट है तो बोलो, एनी डाउट? काफी आसान प्रॉब्लम है अगर आपने पहले करा होता तो, अगर नहीं करा है तो आज के बाद कर पाओगे आई बिलीव, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे। गुड फोर्सेस पे तो काफ़ी मिलेंगे, तो इफ यू हैव एनी डाउट ज़रूर इसको सॉल्व करना, और बिल्कुल ध्यान से। लास्ट डे जब आईएथ प्लेयर लॉग इन था वो कौन सा डे था? अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो एक्स फर्स्ट डे था, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू एंड डैश 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 एक्स प्लस वाई माइनस वन। टोटल वाई डेज के लिए लॉग्ड इन था वो, तो ये थे सारे डेज। पर मैंने वेक्टर में क्या डाला? एक्स प्लस वाई, बिकॉज मेरे को चाहिए था कि वो वाला दिन जब ये लॉग आउट हो चुका है, वो स्टार्टिंग डे जब वो लॉग आउट हो चुका है, और वो स्टार्टिंग डे जब वो लॉग इन हो चुका है, बिकॉज इससे मैंने काम करा। आप यहाँ पर माइनस वन भी रख सकते थे, फिर आपको अपने लॉजिक को चेंज करना पड़ता थोड़ा, वो आपका पर्सनल है, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। तो बस फिर यहाँ पर आपको प्लस वन करना पड़ता, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला ज़्यादा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने करंट प्लेयर का ध्यान रखा, करंट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स लॉग्ड इन करेंटली, करंट करंटली लॉग्ड इन प्लेयर्स कितने हैं एंड ये प्लेयर्स कब तक लॉग्ड इन रहने वाले हैं, एग्जैक्टली ये प्लेयर्स कब तक लॉग्ड इन रहने वाले हैं। तो मैंने कहा भाई अगर करंट ये है तो नेक्स्ट से पहले पहले लॉग्ड इन इतने ही रहने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट आएगा जब भी तो कोई चेंज आएगा नंबर ऑफ प्लेयर्स में। तो फिर मैंने नेक्स्ट का फर्स्ट माइनस टू कर दिया, तो फोर माइनस टू करोगे क्या आएगा? टू, यानी कि टू और थ्री डे के लिए मेरा कॉन्स्टेंट रहने वाला है नंबर ऑफ प्लेयर्स, जो कि है करंट, CURR। कूल, कोई डाउट है तो बोलो। शादमान अफजल इज सेइंग भाई सी शार्प सिखाओ। यार सी शार्प मैंने बहुत कम कोड करा करा बहुत बहुत कम करा, उसमें भी ऐसा ही होता है, कॉन्सोल डॉट प्रिंट एल एन ऐसे कुछ करके होता है, उसमें भी कॉन्सोल डॉट लॉग होता है शायद, जो भी होता है करा था कभी कभी। व्हेन आई वाज डूइंग सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन चेक, इफ यू डोंट नो चेक इज़ अ वेबसाइट जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, डाउट सॉल्व करते हो लोगों के, तो देर आई यूज टू डू कोड इन सी शार्प। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, फायदे की चीज़ होती है कॉलेज लाइफ में, तो बहुत सही रहता है एंड इट्स पेड, ठीक है। तो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, किसी को इसमें कोई डाउट है तो बोलना एंड मैं आगे बढ़ता हूँ। लेट मी मूव टू प्रॉब्लम ई, ठीक है। प्रॉब्लम ई रिक्वायर्स फेनविक ट्री, पहले ही बता रहा हूँ, तो इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद फेनविक ट्री तो आप बस उसका फंक्शनैलिटी समझ सकते हो क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी इनबिल्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या है उसको आपको सीखना ही पड़ेगा, बट मैं अब बता दूंगा एज अ ब्लैक बॉक्स कि ये मेरे को क्या आउटपुट ला के देगा ऐसा, ठीक है। एंड मतलब लॉजिक मेन समझना है, इम्प्लीमेंटेशन तो आप सीख कर कर सकते हो बाद में फेनविक ट्री से, लेकिन इसका लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम ई का अगर प्रॉब्लम कुछ समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना, डू लाइक द वीडियो, लाइक करो शेयर करो एट कोडर वालों से, दोज हू प्रैक्टिस एट कोडर बिगिनर कॉन्टेस्ट एंड हैज सम डाउट्स डू शेयर विद देम। तो वी आर डिस्कसिंग 2:1 एट कोडर बिगिनर। मज़ा आता है नहीं आता आपको कॉन्टेस्ट देने में? क्या बोलती पब्लिक, मज़ा आता है नहीं आता? बेटा कोड दिखा रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो देख भी सकते हो, थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है ना, तो देखो कोड को समझो क्या लिखा हुआ है, क्या क्यों लिखा है एंड यू विल गेट द लॉजिक। लॉजिक समझ रहे हो ना क्या है कि हमें इस टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम में
एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पे काम करना होता है, एंड रनिंग टाइप की एल्गोरिदम होती है। चलते चलते हम नंबर ऑफ प्लेयर्स का हिसाब रखते हैं कि करेंटली क्या है, प्लेयर्स तो इसमें है वैसे कुछ भी हो सकता है, एंड आप उसके हिसाब से अपने आंसर को अपडेट करते जाते हो। तो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस। ये वाला कर रहे होगे ना तो अगली बार कभी नहीं भी होगा ना तो आपको याद ज़रूर आएगा कि ये तो वही प्रॉब्लम है जो उस दिन भैया ने बताया था, समझ रहे हो। चलो नो प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं है, चले तो चलो देखते हैं, प्रॉब्लम ही देखते हैं। चलो आ जाओ फटाफट आ जाओ भाई। प्रॉब्लम ई, वेयर इज दिस एनकोडर। प्रॉब्लम ई, सो द प्रॉब्लम सेज कि गिवन इज अ सीक्वेंस ऑफ एन इंटीजर्स। सो दिस इज वेरी बेसिक, एवरी टाइम दे आर गिविंग अस एन सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एन इंटीजर्स ओनली, एंड फाइंड द नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेज ए डैश। सो यू नो सब सीक्वेंसेज, नॉट कॉन्टिगुअस, कॉन्टिगुअस इज सब स्ट्रिंग। सो सब सीक्वेंसेज कैन बी नॉन कॉन्टिगुअस ऑल्सो, बट द ऑर्डर शुड रिमेन, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट शुड रिमेन, कि इफ इंडेक्सिंग शुड बी ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेज, ठीक है, ऑफ लेंथ के, ऑफ लेंथ एटलीस्ट टू लेंथ का, दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, दिस कंडीशन, कि अब इफ वी फाउंड दिस सब सीक्वेंस देन दिस कंडीशन शुड सेटिस्फाई, कि भाई फर्स्ट एलिमेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू लास्ट एलिमेंट। बीच में कुछ भी हो सकता है, वी डोंट वॉन्ट बीच का कोई कंडीशन, बट वी वॉन्ट इज कि फर्स्ट एलिमेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू लास्ट एलिमेंट। जो भी हम सब सीक्वेंस सेलेक्ट करेंगे उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ऐसा हमें नंबर ऑफ सब सीक्वेंस बताना है। दैट इज द प्रॉब्लम। काउंट कैन बी इनॉर्मस प्रिंटेड मॉड्यूलो दिस। तो यस, बिकॉज नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस कैन बी 2 की पावर n, एंड n इज ह्यूज, सो 2 की पावर n इज ह्यूज, एंड दिस वैल्यू इज यूज्ड देयर टू प्रिवेंट द लार्ज नंबर्स। सो हियर टू सब सीक्वेंसेज आर डिस्टिंग्विश्ड व्हेन दे ओरिजिनेट, दिस इज यू नो your subsequences should be different, this is the basic principle. So all values in input are integers and input is standard n and n integers. So cool, no problem at all. koi problem hai to bolo. interaction kam ho raha hai chat mein, like karo yaar, kuch baat karo, aise maza kaise aayega be. theek hai, कोई क्वेरी है तो बोलो, बात करेंगे ना उस पर, नो वरीज ब्रो। सो प्रिंट द नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेज ऑफ लेंथ एटलीस्ट टू, दैट सेटिस्फाई द कंडीशन इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो वील सी दिस प्रॉब्लम एंड देन मूव ऑन। तो चलो देखते हैं। ओके, लेट्स मूव टू स्केच बुक, एंड दिस इज स्केच बुक। यस, so those who want to know which is this sketchbook, this is Microsoft OneNote. As you can see here, if you are able to, heading is Microsoft OneNote. If you have the subscription for this, you can use it. It is a very good quality, matlab everything is here, aur maza bhi aata hai yahan likhne mein. let's see chalo. to leq problem name, problem e, leq. I am following from last 2 months. You are really great at consistency and explanation. Thank you, bro, very much. How it is helping you? How is it helping you? I want to know. If that is cool, then everything is cool. No worries. So LEQ, let's start with LEQ. Given a array of n integers, and wait a second. Let me see what is happening here. Yes, so we are back. Yeah, LEQ is the problem. Array is given of n integers. Okay, n integers हमें given है, array है,
एंड हमें ऐसा सब सीक्वेंस बताना है, तो ऐसे लिख देता हूँ मैं एरे को ए वन ए टू ए थ्री टिल ए एन, ठीक है। हमें के लेंथ का सब सीक्वेंस बताना है, हाउ मेनी आर देयर के लेंथ सब सीक्वेंसेस, ठीक है। हाउ मेनी के लेंथ सब सीक्वेंसेज आर देयर सच दैट एंड ध्यान रखो के इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अगर आपको लग रहा हो कि यार के तो वन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है ब्रो, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, लेंथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू, बिकॉज द कंडीशन इज कि ए वन इज लेस देन इक्वल टू ए के, अगर वन बेस्ड इंडेक्सिंग की हम बात करें तो, ठीक है। दिस इज द कंडीशन, हमें के लेंथ सब सीक्वेंसेज बताना है सच दैट फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू लास्ट एलिमेंट ऑफ द सब सीक्वेंस। सो अगर ठीक है, बस ये प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। सो अब यहां पर अगर हम मैथमेटिक्स समझें इस प्रॉब्लम का, तो क्या है कि भाई k इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, दो से ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ होना चाहिए एंड कोई भी सब सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए। तो मैंने कहा है टू की पावर n सब सीक्वेंसेज एग्जिस्ट करेगी, करेगी नहीं करेगी, और इसमें एक एम्प्टी भी आएगी तो एम्प्टी वाले को हटा दो माइनस वन, और फिर लेंथ वन वाले को भी हटा दो तो माइनस एन, तो इतनी टोटल सब सीक्वेंस अपने पास आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू टू लेंथ का। तो ये है, ठीक है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखिए इस चेहरे को। तो टू की पावर एन माइनस वन माइनस एन नंबर ऑफ सब सीक्वेंस अपने पास। अब मेरे को वो दिस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है ए वन इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ए के। तो मैंने कहा यार कोई भी सब सीक्वेंस सेलेक्ट करेंगे अपने एरे में से, सपोज ये है एरे और मैंने सब सीक्वेंस सेलेक्ट करा ए टू को ले लिया, ए फोर को एंड समथिंग ए एट, ठीक है। तो ऐसा कुछ सब सीक्वेंस मैंने सेलेक्ट करा, मतलब ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा ए फोर सॉरी ए एट, तो ऑर्डर हमेशा एलिमेंट्स का सेम रहने वाला है जो इनिशियल एरे में था, इस बात का ध्यान रखो। अगर सब सीक्वेंस का डेफिनेशन नहीं पता है तो ज़रूर सर्च करके समझो। सब सीक्वेंस इज लाइक कुछ भी सेलेक्ट करना है अपने को एरे में से, बट ऑर्डर रिमेन्स सेम। ऐसा नहीं होगा कि आप ए थ्री ए टू रख लोगे, ये सब सीक्वेंस नहीं होगा, समझ रहे हो, बिकॉज ए थ्री पहले आ गया बट इनिशियल एरे में ए थ्री बाद में था ए टू के। तो जो इनिशियल एरे में ऑर्डर है एलिमेंट्स का वही फॉलो होना चाहिए, बस किसी एलिमेंट्स को आप पिक करोगे किसी को नहीं करोगे, दिस इज द केस, ठीक है। तो लेट्स मूव तो मैंने मान लो ये सब सीक्वेंस चूज करा है ए टू ए थ्री ए एट। नाउ मेरा कंडीशन क्या है कि ए टू शुड बी लेस देन इक्वल टू ए एट, ये फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि जो भी मैं सब सीक्वेंस सेलेक्ट कर रहा हूँ आई से स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है जे पे, ठीक है, आई से स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है जे पे, माई सब सीक्वेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम आई एंड एंडिंग एट जे, ठीक है। तो वट विल बी माई नंबर ऑफ सब सीक्वेंस, अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर दिया एंडिंग पॉइंट फिक्स कर दिया तो मेरे नंबर ऑफ सब सीक्वेंस पॉसिबल कितने होंगे, और मेरे को पता है कि ए जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सब सीक्वेंस आर देयर। तो आई सेड कि यार ए आई फिक्सड है, ए जे फिक्सड है, कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, अब कितने नंबर ऑफ सब सीक्वेंस होंगे, जितने भी बीच में बचे, समझ रहे हो। तो जैसा कि अगर मैं आपको बोलूं कि जितने भी बीच में बचे उनका आप ऑल पॉसिबल सब सीक्वेंस जनरेट कर दो, ऑल पॉसिबल सबसेट जनरेट कर दो, इजी इजी, समझ रहे हो। जैसे अगर मैं ए टू और ए एट को मैंने फिक्स कर दिया, इफ ए टू एंड ए एट मैंने फिक्स कर दिया बिकॉज मेरे को उससे ही मतलब है ना, मेरे को फाइनली उससे ही मतलब है कि फर्स्ट और लास्ट क्या है, बीच में कोई भी आए मेरे को कोई मतलब नहीं है, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दैट। बीच में क्या आएगा, क्या आएगा बीच में, कुछ भी आए एम्प्टी भी आए तो भी चलेगा बिकॉज मेरा मिनिमम दो लेंथ का तो सब सीक्वेंस बनेगा ही। तो मैंने कहा बीच में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, मान लो एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो टू की पावर एक्स विल बी द नंबर ऑफ पॉसिबल
possible subsequence. 2 key power x will be the number of possible subsequence with ai equals to a2 and aj equals to a8. स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, एंडिंग पॉइंट ये होगा. लिख देता हूँ मैं, स्टार्टिंग ये होगा ए आई, एंडिंग ये होगा ए जे. समझ रहे हो बात को? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? काफ़ी आसान प्रॉब्लम है, आराम से देखो. बस इसमें फेनविक ट्री वाला पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है. इससे आप बहुत कुछ सीखोगे, इससे आप इन्वर्स निकालना भी सीखोगे एंड आप इससे फेनविक ट्री भी सीखोगे एंड ये प्रॉब्लम तो सीखोगे ही सीखोगे कि नंबर ऑफ सबसीक्वेंस वाली प्रॉब्लम कभी भी आती है तो उसको कैसे ब्रेक करना है, ये आप सीखोगे. ठीक है, तो कहाँ थे हम? यस, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर मेरे को फिक्स कर दिया मैंने एंड वो मेरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई ए आई इज लेस देन इक्वल टू ए जे, देन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना. बीच वाले तो हम कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो बस यही करना था, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करना था, एंडिंग पॉइंट सेलेक्ट करना था. अब बीच में उसके जितने भी एरे में एलिमेंट्स बचे, मान लो x नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर x पॉसिबिलिटी हो गई. क्यों हो गई 2 की पावर x? बिकॉज अगर एक एरे है x लेंथ का तो उसके पॉसिबल नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस कितने होते हैं? एवरी पॉसिबल लेंथ के 2 की पावर x होते हैं. इसमें एम टी भी इंक्लूड होगा, ठीक है, इसमें एम टी भी इंक्लूड होगा, इसमें वन लेंथ भी इंक्लूड होगा. तो वन लेंथ वाला क्यों वैलिड है, एम्प्टी क्यों वैलिड है? क्योंकि ये एम्प्टी होगा ना बीच वाला पार्ट, दिस विल बी एम्प्टी. बट हमने दो तो सेलेक्ट कर ही लिया है ना, तो हमारा जो के था कि के लेंथ का सबसीक्वेंस चाहिए, के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ये तो सेटिस्फाई हो ही रहा है. समझ रहे हो? तो बस यही करना था इसमें अपने को. क्या करना था? फॉर एवरी पॉसिबल आई जे, फॉर एवरी पॉसिबल आई जे अपने को निकालना था कि ए जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई. ऐसा आई जे सेलेक्ट करो सच दैट ए जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई एंड बीच में जितना भी बचेगा एलिमेंट जे माइनस आई माइनस वन, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचेंगे बीच में, इसका 2 की पावर ले लो जस्टिस. तो बस यही है. तो हमें करना क्या है प्रॉब्लम में, अपने को फॉर एवरी पॉसिबल वैलिड आई जे, वैलिड होना चाहिए हर आई जे जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो, इस पर्टिकुलर चीज़ का सम चाहिए. फॉर ऑल वैलिड आई जे, वैलिड से मेरा यहाँ पर क्या मतलब है, व्हाट डू आई मीन बाय वैलिड? वैलिड मीन्स दिस कंडीशन, ए जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई. बिकॉज हमें स्टार्टिंग और एंडिंग से मतलब है, ये स्टार्टिंग है ये एंडिंग है, एंडिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्टिंग हर सब सीक्वेंस का. तो मैथमेटिकली ये आंसर हो गया हमारा, दिस इज द आंसर फाइनल. कूल. अब नाउ द प्रॉब्लम इज कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है, बिकॉज यहाँ पर तो दो वेरिएबल है, आई भी है जे भी है, वी हैव टू वेरिएबल्स हियर. तो मैं या तो फॉर लूप लगाऊंगा एक आई के लिए, एक फॉर लूप लगाऊंगा जे के लिए, है ना, एंड देन मैं बीच बीच में कुछ कुछ करूँगा यहाँ पर. तो कुछ कुछ मतलब आई विल चेक द वैलिडिटी कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है क्या, एंड इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइज देन मैं इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है, 2 की पावर जे माइनस आई माइनस वन को आंसर मैं ऐड कर दूंगा. आंसर प्लस इक्वल 2 की पावर जे माइनस आई माइनस वन, इफ यू आर अनेबल टू सी आई राइट लाइक दिस, 2 की पावर जे माइनस आई माइनस वन आंसर में प्लस इक्वल कर दूंगा. तो यही करना है बस. बट दिस वे द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एन स्क्वेयर, बिकॉज फॉर के अंदर फॉर आएगा ना, इफ देर इज नेस्टेड लूप तो कॉम्प्लेक्सिटी तो हो जाएगा ना. वॉट इज सर, सीरीज कंप्लीट होगी क्या पूरी और जस्ट इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन होगी? विच सीरीज यू आर टॉकिंग अबाउट? डी एस ए तो हाँ कंप्लीट होगा, एंड ये एटकोडर वाला सीरीज जो ये भी कंप्लीट रहेगा हमेशा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो पुराना वीडियोज़ के लिए आप इजी कोड चैनल पर रेफर करना एंड वहाँ से कंटिन्यू यहाँ पर होगा ही स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूजडे, ठीक है. तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा. अब मेरे को इसको एन स्क्वायर को एक्सेप्टेड टाइम लिमिट में कैसे चेंज करना है, दिस इज जस्ट अ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. एक्सेप्टेड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को अभी करना है
ओ एन स्क्वायर से हाउ टू डू इट इन एक्सेप्टेड कॉम्प्लेक्सिटी। तो एन स्क्वायर तो चलेगा नहीं बिकॉज वी नो कि भाई हमारा एन जो है 10 की पावर 5 है, ठीक है, एन जो है 10 की पावर 5 है, तो एन स्क्वायर तो टीएल ही आ जाएगा। बट मैं यू नो द लॉजिक, लॉजिक आप समझ गए हो, अब इसको इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो। मैंने हिंट भी दिया है कि आप फेनविक ट्री यूज़ करना, ठीक है, अब कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ, बट किसी किसी को वो समझ नहीं आएगा, तो जिसको आएगा बेहतर है, नहीं आएगा तो आप समझ सकते हो। फेनविक ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ना एंड मेरा कोड यूज़ कर लेना अगर नहीं आए तो, ठीक है। फंक्शनैलिटी वही है, लॉजिक समझ में आया ना क्या हो रहा है? लॉजिक है कि भाई आई और जे पे इटरेट करेंगे और ऐड कर देंगे आंसर। कूल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हर आई और जे के लिए आंसर आएगा क्या? आएगा 2 की पावर j - i - 1, और हर आई जे के लिए वैलिडिटी चेक करेंगे फिर आंसर में ऐड करेंगे। वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी है ए जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई। कूल, ओके भूषण, ग्रेट। डू लाइक द वीडियो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग अ पॉइंट, और नहीं आ रहा तो जस्ट आस्क। तो इसका मैं आप कोड दिखा के आपको गो थ्रू करता हूँ कि हाउ वी आर डूइंग इट इन एक्सेप्टेड कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ मतलब ऑप्टिमली कैसे कर रहे हैं। सर आपकी रेटिंग क्या है? आई एम एक्सपर्ट बट काफ़ी टाइम से मैंने कॉन्टेस्ट नहीं दिया है तो आई कंट एक्सपर्ट टू, मैं 18 समथिंग वॉज माई मैक्स, ठीक है। करेंटली तो कुछ कमी है बिकॉज अब तो कभी देते हैं आप, जैसा होता है कि इफ़ यू आर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 3 मंथ्स एंड देन गिविंग द कॉन्टेस्ट, तो आपका रेटिंग गिरना ही है, ठीक है। या तो आप ये करो कि जैसे बहुत लोग करते भी हैं कि आप एक मैक्सिमम तक पहुंचाओ और फिर देना छोड़ दो, है ना, तो आपका रेटिंग सेव रहेगा, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा बिकॉज वी लव प्रैक्टिसिंग इट, वी लव डूइंग इट, पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्टेस्ट, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक मैक्स तक जाओ जहाँ तक आपका एम है, फिर आप ऐसे देते रहो, ठीक है चल रहा है, जब तक मज़ा आ रहा है करते रहो। तो मैक्सिमम तक मैंने ऐसे ही कुछ जाकर, और फिर अभी देख लेना आप, सर्च कर लेना, मिल जाएगा 1600 के आसपास होगा आई थिंक। ठीक है, एक्सेप्टेड कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे कर रहे हैं ये देख रहे हैं। चलो कोड देखते हैं, इसका कोड से समझ जाएगा थोड़ा थोड़ा कि चल क्या रहा है। तो प्रॉब्लम, लेट मी ओपन दिस प्रॉब्लम, ठीक है प्रॉब्लम। यस, सो सी दिस कोड, कोड देखते हैं, गो थ्रू करते हैं, अगर फेनविक ट्री आता है तो समझ जाओगे, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो टेस्ट केस है ये, ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सॉल्व फंक्शन कॉल्ड। अब पर टेस्ट केस के लिए ये काम कर रहे हैं, बहुत छोटा कोड है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट लॉजिक इसमें बहुत सही है। तो हमें पता है क्या करना है, बिकॉज अपने पास 2 वेरिएबल्स हैं जे और आई, तो 2 की पावर j - i - 1 का सम चाहिए फॉर ऑल वैलिड आई जे पेयर्स, एंड जे इज़ ग्रेटर देन आई, ये तो ऑब्वियस है। तो एक बार मैं वापस से एक बार वो बेसिक दे देता हूँ ना, जिससे कि आपको यहाँ पर आइडिया रहे कि क्या चल रहा है। तो j इज ग्रेटर देन i, ठीक है, i कॉमा j फॉर एवरी वैलिड पेयर, वैलिड इज कि ए जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई, ठीक है, एंड मेरे को सम चाहिए 2 की पावर j - i - 1 का, 2 की पावर j - i - 1 का। कूल, तो अब यहाँ पर 2 वेरिएबल थे तो एन स्क्वायर का कोड बन रहा था, बट मैं इसको ऑप्टिमाइज़ करूँगा कैसे, मैं कहूँगा कि यार किसी i को फिक्स कर लूँ अगर, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, फॉर i इज इक्वल टू 1 to something n, या इन आर केस वी आर मूविंग फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन, तो n टू जस्ट अ मिनट, n टू 1 फॉर i इज इक्वल टू n - 1, बिकॉज वी आर डूइंग दिस इन 1-based indexing, तो n टू 1, अब i फिक्स हो गया है, ठीक है। नाउ वी वॉन्ट द सम ऑफ 2 की पावर j - i - 1
eye is fixed and अटक रहेगा स्ट्रीम. नोप. ठीक है. लेट्स मूव. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, दो वेरिएबल थे, मैं दो फॉर लूप तो लगा नहीं सकता, तो आई थॉट कि भाई आई को फिक्स करके देखते हैं. ये बहुत बेसिक अप्रोच रहता है. आई को फिक्स कर दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम बैकवर्ड्स. ठीक है, बैकवर्ड्स मूव कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं दिखेगा, लॉजिक दिखेगा, बिकॉज हमें पता है ए जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आई को फिक्स करा. अब आई मेरा फिक्स हो चुका है. अब मेरे को ऐसे पॉसिबल जे निकालने हैं. ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूँ, तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ लाइक 2 की पावर j / 2 की पावर i+1. कूल. तो करंट आई के लिए मेरे को ये वैल्यू तो पता है, करंट इटरेशन में 2 की पावर i+1 पता है. अब मेरे को सम ऑफ 2 की पावर j चाहिए, सम ऑफ 2 की पावर j चाहिए. तो मैंने कहा यार सम ऑफ 2 की पावर j निकालना है. ये तो कांस्टेंट है, इसको कॉमन ले लेंगे, बाद में सम ऑफ 2 की पावर j से डिवाइड कर देंगे. और ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे बिकॉज अपने को मॉड चाहिए इसका समथिंग के साथ, तो इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो इन्वर्स इसका निकालना पड़ेगा यूजिंग फर्मैट्स लिटिल थ्योरम. ठीक है, वो भी देखते हैं कैसे. तो इसको डिटेल में आप एनालाइज करना मेरे समझाने के बाद. एक आइडिया दे देता हूँ कैसे हो रहा है. तो i+1 मेरे को, ये 2 की पावर i+1 पता है मेरे को, सम ऑफ ऑल पॉसिबल 2 की पावर j चाहिए. जितने भी वैलिड j's होंगे ना, मतलब मान लो अपना i यहाँ पर है, तो आगे ही कहीं पर j होगा बिकॉज j इज़ ग्रेटर देन i. तो कौन कौन से j यहाँ पर वैलिड है, मान लो ये 3 वैलिड हैं, तो इन सब का सम चाहिए, इन सब 2 की पावर j's का सम चाहिए. समथिंग लाइक दिस, 2 की पावर j2 + 2 की पावर j3, समथिंग लाइक दिस. इसका सम चाहिए एंड देन जो भी सम आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 की पावर i+1 से. उसका तरीका कुछ अलग है. तो ये j's चाहिए. अब इसको कैसे टैकल कर रहा हूँ ये देखो, अब कोड दिखाता हूँ, अब ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, तो लेट्स मूव टू द कोड. हाँ, तो अब मैंने क्या करा, व्हाट आई डिड कि मैंने एन इनपुट करा और मैंने एक वेक्टर ऑफ पेयर में एलिमेंट्स को रखा, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट वो है वैल्यू और सेकंड में इंडेक्स है. तो वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो i0 था इसलिए i+1 डाला है. तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस. फिर मैंने सॉर्ट कर दिया अरे को, बिकॉज मैं हर i के लिए नंबर ऑफ j's निकालना चाह रहा हूँ. तो अगर मैं करंट i के लिए देखूँगा, तो मैं अपने फेनविक ट्री में, अब यहाँ पर थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये कैसे हो रहा है, बट किसको आता होगा फेनविक ट्री तो बहुत आसानी से समझ में आएगा. ठीक है सर, डिवीजन 2 BC का ज़्यादा टॉपिक्स, BC नॉर्मल लॉजिक मैथमेटिक्स बेसिक कंस्ट्रक्टिव एल्गो, ज़्यादा कुछ नहीं, एल्गोरिदम नहीं लगता कुछ. ठीक है, आपका जितना थिंकिंग बढ़िया होगा उतना आप कर पाओगे. प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो उतना हो जाएगा आपसे. ठीक है, तो ये जैसे ये प्रॉब्लम है, ये दिस शुड बी डी इनकोड फोर्सेस डिवीजन 2 बिकॉज इसमें इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, सी भी हो सकता है. लेट्स सी, तो हमने क्या करा, हमने इंडेक्स निकाला, हम बैकवर्ड्स मूव कर रहे हैं, सॉर्ट कर दिया. ठीक है, सॉर्ट करने का क्या हमारा लॉजिक था कि हमें हर आई के लिए हम हर जे निकाल रहे हैं, हर आई के लिए इटरेट कर रहे हैं और हर आई पॉसिबल के लिए जितने भी पॉसिबल जे हैं उसका सम निकाल रहे हैं. हमने देखा था 2 की पावर j का सम अपने को चाहिए. ठीक है, तो मैंने क्या करा, भाई इसका इंडेक्स निकाल लिया. जो भी ये इंडेक्स आया है, ये है हमारा आई, जो मैंने वहाँ पर ij बोला था ना, ये है हमारा i. देख लो एक बार, दोबारा देख लो, ये जो i दिख रहा है ना, वो है हमारा, जो ये i दिख रहा है ना यहाँ पर, वो है हमारा ये. ठीक है, ये वाला in, ये i है. अब इससे बड़े इंडेक्स चाहिए
इससे बड़े इंडेक्स चाहिए जो जिनका वैल्यू भी एआई से बड़ा हो. नाउ वी वांट ऑल जेज सच दैट ए जे शुड बी, या हाँ ठीक है ए आर ए है अभी के लिए ऐसा समझो, ए जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ इन. तो यहाँ पर मैंने इन डाला है, आई पुट इन हेयर बिकॉज आर आई इज इन. ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर है, मतलब ये आयथ वाला जो अभी देख रहे हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, अब इससे बड़ा क्या होगा वो सर्च करना है. तो वो हमने क्वेरी करा है फेनविक ट्री से. मैं फेनविक ट्री अब आपको यहाँ पर डिटेल में तो नहीं बता सकता, बट आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, आपको ज़रूर मिल जाएगा वेब पर कहीं पर, यूट्यूब पर या नॉर्मली कोड फोर्सेज कोड शेफ के ब्लॉग से भी समझ में आ जाएगा. तो फेनविक ट्री एक एरे से रिप्रेजेंट करा हुआ है बीआईटी, उसमें एक गेट फंक्शन है, उसमें एक अपडेट फंक्शन है, इसका यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं. इग्नोर दी एरर्स, ये वीएस कोड मेरा ख़राब हो गया है. एक मल्टीप्लिकेशन भी बनाया है, कुछ नहीं है, बस ए इंटू बी मॉड समथिंग है. ठीक है, इसको आप कर दो बिकॉज हमारा मॉड बड़े वाला है. तो ठीक है, फिर हमने यहाँ पर और एक इन्वर्स निकालने का फंक्शन है. ठीक है, इन्वर्स कैसे भी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं किसी भी, अगर हमें ऐसा कुछ निकालना हो तो कन्फ्यूजन बहुत आने वाली है इस प्रॉब्लम में, लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा आराम से. पहले फेनविक ट्री पढ़ना फिर वापस आना, बस अभी लॉजिक समझ लो क्या है. अगर अपने को 1/x का मॉड्यूलो निकालना है ना समथिंग मॉड, तो उसका तरीका ये होता है, सॉरी हाँ ठीक है, अगर मेरे को ऐसा कुछ निकालना है तो मैं ये कर सकता हूँ. ठीक है, उसका ये तरीका होता है यूजिंग फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम, डिटेल आपको मिल जाएगा कहीं पर भी आप सर्च करोगे तो. ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा था, अब मैंने क्या करा, फॉर एवरी आई जो कि हमारा इन है, मैं ऐसे जेज निकाल रहा हूँ, ऐसे जेज निकाल रहा हूँ जिससे कि वो बड़े हों. ऑल जेज सच दैट ए जे शुड बी ग्रेटर देन ए आई एन एंड जे शुड बी ग्रेटर देन आई एन. तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. तो मैंने वो चीज़ करी फेनविक ट्री से, और फिर मैंने फेनविक ट्री में कुछ अपडेट कर दिया. एंड आंसर में क्या ऐड करा, आंसर में ऐड करा सम ऑफ टू की पावर जेज इन टू 1/2 की पावर i+1. ठीक है, याद करो मैंने आपको आंसर में क्या बताया था, फॉर एवरी पॉसिबल आई, फॉर एवरी पॉसिबल आईज वी हैव 2 की पावर j, या मैं आपको वहीं पे दिखाता हूँ स्केचबुक में, देखो स्केचबुक में ज़्यादा क्लियर रहेगा. दिस ठीक है, तो फॉर एवरी पॉसिबल आई मैंने क्या बोला था, व्हाट आई सेड कि मेरा जो एक्सप्रेशन है 2 की पावर j-i-1, ठीक है आई माइनस वन है क्या, तो हाँ ठीक है, तो इसको मैंने चेंज करा 2 की पावर j/2 की पावर i+1 में. एंड मैंने कहा फॉर एवरी आई निकाल रहा हूँ तो आई नो दिस, एंड फॉर एवरी आई कितने पॉसिबल जे होंगे वो मेरे को चाहिए. ठीक है, वो मेरे को चाहिए. तो मैंने कहा यहाँ पर फॉर एवरी आई मेरे को सम ऑफ 2 की पावर j's चाहिए. ठीक है, फॉर एवरी आई फिर उसको डिवाइड कर दूंगा 2 की पावर i+1 से, ये मेरे को पता है, और मॉड्यूलो सम मॉड निकालना है. तो दिस ये निकालने के लिए फेनविक ट्री यूज़ कर लिया, एंड ये मेरे को पता है i+1, एंड मॉड भी मेरे को पता है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका क्लियर कट, नॉट अ बिग डील. समझ रहे हो, वापस आओ कोड में. तो वही करा हुआ है, 2 की पावर i+1 का जो था उसको मैंने यहाँ से निकाला, तो ये हो गया 2 की पावर i+1. उसका इन्वर्स ले लिया बिकॉज इन्वर्स लेना पड़ेगा अगर मॉड है तो, एंड उसको मल्टीप्लाई कर दिया x से. x क्या है, जो हमारा फेनविक ट्री ने नंबर ऑफ जेज का पॉसिबिलिटी का आंसर दिया. हर पॉसिबल जे के लिए 2 की पावर j को ऐड करना पड़ेगा ना. ठीक है, तो आई थिंक कि डाउट्स होंगे इसमें काफ़ी, लेकिन अगर आपको फेनविक ट्री आता है तो शायद कम हो, बिकॉज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो आइडिया लेकर. अगर फेनविक ट्री नहीं आता है तो प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप देखना थोड़ा सोचना कि क्या कैसे करा है, एंड फिर हम बात कर सकते हैं. कमेंट्स कर सकते हो आप, कमेंट ज़रूर करना वीडियो के नीचे, एंड यू कैन आस्क देयर, आई विल श्योरली कमेंट, आई विल मेक श्योर कि आपका डाउट क्लियर हो. ठीक है, तो ये वाला पार्ट है मेन यहाँ पर, कि हर आई पर हमने आई को फिक्स करा, आई हमारा ये है आई एन, और फिर नंबर ऑफ जेज का जो भी सम चाहिए था 2 की पावर j's का, वो हमने यहाँ से निकाला.
एंड यहाँ से निकाल के फिर हमने आंसर में ऐड करा, फाइनली आंसर प्रिंट कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी आसान है। बस यहाँ पर आपको फेनविक ट्री आना ज़रूरी था, फेनविक ट्री से काफ़ी आसान हो जाता है प्रॉब्लम इफ़ यू हैव हैंड्स ऑन ऑन फेनविक ट्री। पावर आना चाहिए, इन्वर्स निकालना आना चाहिए, काफ़ी कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो बहुत बेस्ट प्रॉब्लम है, अगर मैं रिकमेंड करूँगा तीन चार चीज़ें एक साथ सीखनी हो तो प्रॉब्लम ई टुडे, प्रॉब्लम ई ऑफ टुडे इज एट कोडर बिगनर 221। ठीक है, कोई डाउट है तो बोल दो, थोड़ी देर कोड देख लो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ समझ आया हो तो यू कैन ठीक है। सब्सक्राइबर के स्ट्रीम पे चला गया, अरे कोई बात नहीं, नो वरीज। वो कुछ डायलॉग होता है ना कि समथिंग समथिंग घर का, ये भटक के रात में घर को ही आता है, तो आएगा, समझ रहे हो, आएगा, दिक्कत कहाँ आ रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जब डाउट होगा ना एटकोडर में तो आएगा ना, नो प्रॉब्लम, फिर हम उसे समझाएंगे कि ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, तो यह है प्रॉब्लम ही, काफ़ी आसान था, बस ये कंडीशन देखना था, उसके बाद सब सीक्वेंस से हमें को काउंट करना था कि आई और जे का क्या फंडा है, एंड दी देन वी यूज फेनविक ट्री फॉर, क्योंकि आई जे का अगर हम ऑल पॉसिबिलिटी करेंगे एन स्क्वायर हो जाएगा, एन का रेंज ज़्यादा है, तो वी हैव टू डू इट ऑप्टिमली। ऑप्टिमली करने के लिए फेनविक ट्री यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान इंप्लीमेंटेशन होता है अगर आप यूज टू वो फेनविक ट्री से, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो प्रॉब्लम ही समझ में आ गया अपने को, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देन वी आर मूविंग टू एक बी भी देख लेते हैं, ए नहीं देखेंगे बिकॉज ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी आसान है प्रॉब्लम ए तो खुद भी कर लेना। प्रॉब्लम बी और देख लेते हैं एंड देन वील एंड इट हेयर। तो यू आर गिवन टू स्ट्रिंग एस एन टी, डिटरमाइन वेदर इट इज़ पॉसिबल टू मेक एस एन टी इक्वल बाई डूइंग द फॉलोइंग ऑपरेशन एटमोस्ट वंस। तो यहाँ पर सिर्फ एटमोस्ट एक बार कर सकते हैं हम ऑपरेशन। वट इज़ द ऑपरेशन, कि चूज टू डिफरेंट, चूज टू एडजेसेंट कैरेक्टर्स इन एंड स्वैप देम। तो स्ट्रिंग एस के कोई भी दो एडजेसेंट कैरेक्टर उठाओ और उन्हें स्वैप कर दो। अगर ये करके मैं एस और टी को इक्वल बना पा रहा हूँ देन प्रिंट यस, अदरवाइज नो। और एक और चीज़ है कि आप ये ऑपरेशन नहीं भी कर सकते हो बिकॉज इधर एटमोस्ट वंस लिखा है। ठीक है, इधर एटमोस्ट वंस लिखा है, या तो जीरो बार या एक बार। तो अगर इनिशियली इक्वल है तो यस प्रिंट कर दो, अगर इक्वल नहीं है तो आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करो फॉर एवरी पॉसिबल एडजेसेंट कैरेक्टर्स, एंड अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो यस, अदरवाइज नो। तो इसका कोड देख लेते हैं, और कोड देख लेते हैं इसका, फिर एंड करते हैं, क्योंकि बिकॉज ए इज सिंपल, आप खुद भी कर लोगे, वाई पुटिंग सो मच एफर्ट ऑन ए। कभी ए आसान होगा, मतलब कभी मुश्किल भी होता है, ठीक ठाक होता है, तो हम ज़रूर डिस्कस करते हैं उसको, नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम बी का सोल्यूशन। स्ट्रिंग एस और टी इनपुट करा, साइज लिया, फिर फॉर एवरी एडजेसेंट कैरेक्टर परफॉर्म करके देखा। तो बिफोर परफॉर्मिंग देखा, बिफोर परफॉर्मिंग स्वैप चेक कर लो, अगर टी इक्वल है तो यस करके प्रिंट, स्वैप करो, स्वैप देम एडजेसेंट, करंट एडजेसेंट को स्वैप करो, चेक करो, चेक इफ दे आर इक्वल, एंड नहीं है तो अंडू करो, अंडू चेंजेस। ठीक है, तो काफ़ी आसान है बिकॉज हमें पता है कि हम एटमोस्ट एक बार कर सकते हैं, तो एक बार अगर स्वैप कर सकते हैं तो हर पॉसिबल एडजेसेंट को स्वैप करके देख लो। तो हर पॉसिबल को स्वैप करा, अगर इक्वल हुआ तो यस, अदरवाइज अंडू करके नेक्स्ट एडजेसेंट पे पहुंच गए। तो इस चीज़ के लिए हमें, हम इसको बाहर भी कर सकते थे, ठीक है, इसको हम बाहर भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमें ये फर्स्ट चेक लगाना है कि इनिशियली ही इक्वल है क्या हमारा स्ट्रिंग, तो भी ये चल जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, हाँ सर भैया, कोड फोर्सेस का क्या करूँ, कोड फोर्सेस में रेटिंग पर, अरे नो प्रॉब्लम यार, सब सही है, कोड फोर्सेस एट कोडर एवरीथिंग इज़ फाइन। कहीं पर भी कर रहे हो ना पार्टिसिपेट, जैसे जैसे वहाँ पर आपका रेटिंग बढ़ेगा ना, अपने आप वहाँ जाओगे दूसरे प्लेटफॉर्म पे, वैसे दिया करो बिकॉज एट कोडर में थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम है, कोड फोर्सेस पे ज़्यादा है, तो कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना चालू करो एंड यू विल फील ग्रेट अबाउट इट। ठीक है जी, तो ये समझ में आया ना, काफ़ी आसान प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बात नहीं है, एंड
कूल है, न्यूबी हूँ, कोई बात नहीं यार, एवरी वन इज़ अ न्यूबी एट ऑल स्टार्टिंग पॉइंट, सब न्यूबी होते, बढ़ोगे, 6 मंथ हुआ है ना शायद आपको, मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो बहुत ठीक है, मतलब इम्प्रूव होगा, एक्सपीरियंस के साथ ही आता है, ऐसे नहीं आएगा अभी आप फिन विक्ट्री सीख भी लोगे ना, तो अगली बार फिन विक्ट्री आएगा तो नहीं होगा आपसे, लेकिन जब ऐसा 4-5 बार हो जाएगा ना कि ये फिन विक्ट्री आ रहा है आपसे, हो नहीं रहा है, प्रैक्टिस करोगे आप, सॉल्व करोगे, तो अपने आप हो जाएगा फिर, तो प्रॉब्लम नहीं है कोई ज़्यादा, ठीक है, नॉट अ बिग डील, बस प्रैक्टिस करो, मेरे को दिखने चाहिए आप हर बार यहाँ पे कि भाई हाँ ये डीप अगर इज हेयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, इन्होंने कॉन्टेस्ट दिया है और वो आए हैं, ठीक है, ये होना चाहिए, यू शुड बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, सब हो जाएगा, एवरी थिंग इज डन, बहुत सिंपल होता है, ठीक है, कुछ भी अचीव करना सिंपल होता है, बस उस सिंपल की डेफिनेशन ही नहीं समझ पाता कोई, उतना कुछ और कुछ कर दूँ ऐसा कुछ, मतलब बादल से बारिश हो जाए तो मैं बड़ा कुछ बनूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है, प्रैक्टिस करो, एक्सपीरियंस आएगा, हो जाएगा, टाइम के साथ होता है, नॉट सो फास्ट नॉट सो स्लो, ठीक है, लाइक करो वीडियो को, समझ में कुछ आया हो तो, प्रॉब्लम बी का सोल्यूशन था ये, फटाफट देखा हमने, एंड यहीं पर एंड करते हैं अपने स्ट्रीम को, तो प्रॉब्लम लेट मी सी कौन कौन सा करा हमने, प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम बी कर लिया हमने डिस्कस, प्रॉब्लम सी कर लिया, प्रॉब्लम डी कर लिया, प्रॉब्लम ई कर लिया, ए नहीं करा बिकॉज काफ़ी टाइम भी हो गया है हमें डिस्कस करते हुए, एंड ए आसान भी होते हैं बहुत, तो कोई बात नहीं, आप खुद भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में, एंड बाकी ट्राई करना, अगर ये वाला ज़रूर करना, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अदरवाइज आप मेरा सबमिशन भी रेफ़र कर सकते हो, एंड ठीक है फिर, लेट्स मूव ऑन टू आर PPT, एंड एट कोडर बिगनर 2-2-1 तो हो ही गया, ठीक है, डू लाइक डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल कोड बियॉन्ड, नो वरीज एट ऑल, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डिस्कशन जब भी आएगा, स्ट्रीम होगा अपना कोड फोर्सेस स्टार्टर्स का या एट कोडर का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग चैलेंज का भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट मंडे, तो सब सॉल्व करते रहना एकदम बढ़िया तरीके से, मिलते हैं फिर, बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर, कोई डाउट हो तो बोल दो, 10 सेकेंड है आपके पास, 10 सेकेंड है, नहीं है ना, चलो फिर ठीक है, बढ़िया पढ़ाई करो, अब सॉल्व करके सोना, ऐसे मत सो जाना।